हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंती क्लासेस। माय नेम इज मंजीत भारद्वाज। बेटा आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं, एक्चुअल में आज जो आपका टेस्ट हुआ था उस टेस्ट के क्वेश्चंस हम आज करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द सेम पेस। तो भाई आज वाला क्वेश्चन पेपर अच्छा था, ठीक है? वो पहला क्वेश्चन ये रहा, बहुत से बच्चों ने कर रखे होंगे, है ना? तो हम इसको जल्दी जल्दी करने की निपटाने की कोशिश करेंगे। फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो डेफिनेटली टेस्ट मुझे वहीं पर रोक लेना, है ना? बताओ भाई इस क्वेश्चन का आंसर अभी अभी करके आए। सर सी सर तीनों ही करेंगे। ये बात जरूर बताना कि किस बच्चे ने ये क्वेश्चन पेपर किया था, मतलब ये वाला क्वेश्चन किया था, और किसने नहीं किया है। जो नहीं करने वाले हैं वो जरूर बताना, करने वाले तो आंसर बता देंगे। कर दिया क्या बेटा? सर मतलब कौन सा क्वेश्चन स्किप कर दिया ये बताना है? हाँ वो जरूर बताना, जो भी आएगा ना ठीक है सर। लेकिन गलत किया, चलो ठीक है। तो वो फिर यहाँ देखना पड़ेगा आपको, जरूर ध्यान से जरूर देखना। जो स्किप किया वो भी बताना, स्किप वाले को हम अच्छे से देखेंगे कि आपको वहाँ कॉन्फिडेंस था, वो क्वेश्चन करने लायक था या नहीं था, उसमें टाइम लगाना चाहिए था या ज्यादा टाइम वाला क्वेश्चन था, स्किप करके अच्छा किया बुरा किया, बट वो आना चाहिए। स्किप उस टाइम कर दिया, ठीक है। तो नाना बोल रहे नहीं किया था, कोई बात नहीं। तो देखो क्या है, टू ब्यूटाइन कैन बी ऑब्टेन बाय, तो ये किससे ऑब्टेन हो सकती है? सीधी सी लर्निंग वाली रिएक्शन है, सी 1 2 3 तीनों मेथड से। यस सर ठीक है, तो चलिए लेट्स सी द आंसर। देखो भाई सी इज द आंसर। तो पहले जिसने दिया ट्राइक्लोरो, है ना, क्या दे रखा है, प्रोपेन विद इथेन, है ना, ट्राइक्लोरो इथेन है। इसको एजी के साथ रिएक्शन करवाया डायरेक्टली, क्या आया? ट्रिपल बॉन्ड बन गया, तीनों क्लोरीन यहां से उड़ जाएंगे, एच लग जाएगा, AgCl बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है? यस सर। मॉलिक्यूल बनने वाले हैं। नेक्स्ट वाले में रिएक्शन है सीधी सीधी, याद ही रखने लायक और कुछ नहीं इसमें। नेक्स्ट वाले में ये भी हमें पता है, ये तो सबसे इथ आइन बनाने का तरीका होता है, इसका रिवर्स करते होते हैं उसके अंदर। तो देखिए सोडियम है, ये एसिडिक हाइड्रोजन होता है, यहां से ये उड़ेगा, एसिडिक हाइड्रोजन सोडियम इसके साथ चिपक जाएगा। फर्दर क्या किया, यहां सीधा CH3 को, CH3Cl, RX है, एल्गाइल हैलाइड, तो RX में क्या होता है, R पर पॉजिटिव और ये कार्बन पर नेगेटिव है, ये सीधा इस पे अटैक करेगा, X इधर से चला जाएगा, Na इसके साथ लग जाएगा, है ना? तो ये भी बन गया, क्लियर है? ये सारे 11th क्लास वाले दोनों तीनों मेथड, दो मेथड बताए इसने, तीनों मेथड देना, तीसरा कहाँ गया? सर पहला वो डिहाइड्रेशन वाला है ना, वो तो लिखा भी नहीं गया है यहाँ। ठीक है, 2-butene का डिहाइड्रेशन करवा दो, ठीक है? अभी ब्यूटीन का डिहाइड्रेशन करवाएंगे तो ऑब्वियस है यहाँ ट्रिपल बॉन्ड ही बनेगा फिर, ठीक है? तो तीनों मेथड सर ने बोला इतना ऑब्वियस है, बच्चों को पता होगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, एक जिंक का सेल है, जिंक ZnSO4 कॉपर सल्फेट और कॉपर वाला, व्हेन द कंसंट्रेशन, तो ये वही है, तो सर इसका बी है सर, है ना, जिंक 10 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर, द एक्सप्रेशन डेल्टा जी इज, कौन सा आंसर है सर? बी बी, ठीक है, 2.30 RT2.2F, तो इन्होंने देखो शॉर्ट फॉर्म में निकाला, मतलब वो इक्वेशन लिखी तो करना पड़ेगा। बाकी कोई ऐसा बच्चा सर, मैंने ना इसका डी कर दिया था। आपने इसका डी कर दिया था, आपने सॉल्व किया था या वैसे गलती हो गई थी कुछ? सॉल्व किया था, तो ये 2.303 RT ये कैसे लिखे, 2.303 RT और उसके बाद में 2.2F, तो 2.2F तो आपका आंसर आया था, है ना? लेकिन yes, 2.303 RT वाले में आप मिसिंग कर देते हैं ना। देखो अब ये इसको बोलते हैं कि ये सिली मिस्टेक है, मतलब क्वेश्चन अगर आते हुए गलत हो रहा है तो आपको मोमेंट ऑफ टाइम वहां पर स्पेंड करना था, थोड़ा सा ध्यान लगाना था, 10 सेकंड में आपको आंसर पता लग जाता है ना, शायद हमने कुछ गड़बड़ करी। तो चलो इसको देखते हैं कि भाई वो क्या गड़बड़ हो सकती है, जिसने भी की जिसने सही किया कोई दिक्कत नहीं है। बी इज द राइट ऑप्शन, बी आप लोग कौन सा बता रहे हैं? बी है, ठीक है। तो देखो भाई डेल्टा जी हमें पता, डेल्टा जी, डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT, सर अब आ गया समझ, क्या आ गया, ठीक है। तो डेल्टा जी NFE सर, पहले मुझे भी डी लग रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा सोचा ना तो पता चल रहा था कि वहां 2.303 लगाना। तो अब देख लीजिए सामने ये आएगा, फर्दर ऑन E की वैल्यू उसने दे रखी है, N की वैल्यू हमें पता है, E की वैल्यू भी हमें पता होती है, वैसे जिंक और कॉपर वाले सेल में 1.1 वोल्ट ही आती है ना, ये भी याद हमको याद होती है। और फर्दर तो ये 2 आ गया, एन एफ, एफ तो एफ रहा, और ई नोट की वैल्यू पुट कर दी, 2.303 RT को ऊपर वाय जिंक,
लास्ट में सॉल्व करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर, यस सर, है ना। चलो तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An organic compound contain 49.3% carbon, इतना percent hydrogen, its vapor density 73. सर इसका C है। सर C है सर। ये तो हो गया था। ठीक है, सबका हो गया। सर इसमें मैंने H की percentage निकाल के देखी थी, H और C की। सर मैंने तो vapor density से ही निकाल लिया, molar mass, फिर molar mass देख लिया इसमें किसको। सर empirical formula। यही यही सबसे बढ़िया। अर्चना ने बहुत सही आइडिया दिया। और यशवीर टाइम वेस्ट कर रहा था वहां पे बैठा, वेला था ना ये आज, पता नहीं सर, बोल तो रहा हूँ सर 30 मिनट पहले दे के बैठ गया, अब क्योंकि 5 बज गए थे। हाइड्रोजन की इसमें किस कितने में कौन से वाले में 6% 7% आ रही है ना, पहले बैठे हम, चलो परसेंट निकाल लेते हैं। मुझे ना आलस आ रहा था पहले करने में, फिर मैंने देखा ये तो इजीली गिवन है, ऐसे ही कर लेती हूँ। सर ये एक्चुअली वेपर डेंसिटी भूल गया था। वेपर डेंसिटी 2 * वेपर डेंसिटी क्या होता है? मोलर मास। मोलर मास याद है ये फॉर्मूला सबको? यस मुझे याद देता, जिसको याद ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। 2 * वेपर डेंसिटी जो होता है वो इक्वल होता है मोलर मास के। यस सर। ठीक है, ये याद रख लेना फॉर्मूला, याद नहीं है तो अब याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई वेपर डेंसिटी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 73 का डबल कितना होता है? 7 × 14 = 3 × 6 = 146। इसमें काउंट कर लो यार किसका 146 है। अब आपको लगेगा कि सर इसमें भी बड़ा टाइम लगेगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। देखो ये C3 वाला है, ये भी C3 वाला है, ये C4 वाला है। ठीक है, हाइड्रोजन तो एक एक बढ़ता है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, यानी हाइड्रोजन तो 5 ही जोड़ने पड़ेंगे, C3 में एक में कार्बन जोड़ना पड़ेगा। तो मतलब आप इसका किसी का एक का निकाल लो, 12 × 3 = 36, 36 + 5 = 41, 16 × 2 = 32, 32 + 41 सीधा ये जोड़ने 73 आ रहा है। अब देखो हमें तो डबल चाहिए, तो लगभग इसका डबल वाला होना चाहिए। तो देखो 3 × 6 = 5 × 10 = 2 × 4 सीधा ये आंसर आ रहा है। समझ में आया? यस सर। अगर मान लो आपको लग रहा है 10-12 का फर्क है, ठीक है, तो जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर 12 का फर्क तो कार्बन की वजह से आ जाएगा, 5 का फर्क आएगा हाइड्रोजन, 12 और 5 = 17। अगर 17 का फर्क है तो बी होना चाहिए। अगर हम ये कहें कि ये सेम है, 12 वाला फर्क नहीं है, सिर्फ 5 हाइड्रोजन का फर्क है, यानी कि सिर्फ 5 का फर्क है तो डी होगा, अगर 17 का फर्क है तो बी होगा, और सी उससे डबल है तो भाई सर सब कुछ डबल है, वो दिखाई दे ही रहा है। समझ में आ गया? सी yes, सर। देख के आंसर निकालने वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है, बस ये याद रखना है। और इसके अलावा क्या इस परसेंटेज का कोई यूज है? परसेंटेज का यूज नहीं। यशवीर सर मैं भूल गया था वेपर डेंसिटी का फॉर्म, ये तो मेरे को अब क्या करता हूं, मैंने कर दिया। अमन भी बोल रहा है मैंने ये परसेंटेज से ही करा था। ठीक है, परसेंटेज से आप कर सकते हो, लेकिन ये वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, इसलिए इसका मतलब ये है कि या तो हम कुछ मिस कर रहे हैं या फिर प्रैक्टिस का मतलब देखिए, जो चीज आसानी से हो सके अगर आप उसको लंबा खींच रहे हो, इसका मतलब क्या है कि हम प्रैक्टिस में डाउन है, ये हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि शक्ल देख के आंसर्स आ जाएं, यही चीज हमें चाहिए, स्पीड भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो सब कुछ ठीक है। समझ गया ना बेटा? ठीक है, तो देखो इन्होंने तो, ये तो महान भगत है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। कोई सॉल्यूशन बनाने वाला यशवीर का भाई था, पक्के वाला सर, पक्का। और वो बड़ा भाई है, पता है, छोटा भाई भी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा तरीका बता रखा है। इज दिस वर्थी? भाड़ में जाए तरीका नहीं करना अपने को, है ना। सिंपलेस्ट रेशियो बनाओ, ये बनाओ, ये 11th में आपने किया होगा। ऑक्सीजन भी दे दिया है। हाँ, टेबल से है ना, पता नहीं क्या क्या है, छोड़ो, खैर हमें कुछ नहीं लेना इसे। कोई समझना चाहता है तरीका? कोई है इच्छुक? नहीं सर। ठीक है, बाकी एक चीज बताता हूँ, ये ना एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाने वाला तरीका है। ठीक है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला इससे बनता है, तो ये घर बैठ के जरूर कर लेना कि इंपेरिकल फॉर्मूला अगर किसी का बताना हो तीनों कंपाउंड्स का। यहाँ तो इसने एक फायदेमंद चीज दे दी कि ये दे दिया डेंसिटी, अगर ये ना दिया हो तो तीनों कंपाउंड्स की परसेंटेज 2 की दे रखी, तीसरे की अपने आप निकल आएगी। देखो 50 और 7 लगभग मतलब कितना माने 56 है ना, 50 और 6 मान लेते हैं क्योंकि 49 है, 56 और बाकी कितना रहा 44% क्या है ऑक्सीजन है उसमें। ठीक है, यहाँ से ये पता लग जाएगा। क्लियर है? यस सर। यस, तो ही दिए हो वेपर डेंसिटी ना दे हो तो तीनों की परसेंटेज हमारे पास आ जाएगी। देखो 44 आ रही है, लगभग तीनों की परसेंटेज आ गई। परसेंटेज को क्या करो, उनके मोलर मास से डिवाइड करो। मास से डिवाइड करने के बाद जो भी वैल्यू आ रही है, ये तीन वैल्यूज आती है, इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी, उसको क्या करो, उसको तीनों से डिवाइड कर दो। तो सबसे छोटी वैल्यू 2.74 है,
2.74 से ये डिवाइड हो गया, ये भी 2.74 से डिवाइड है, ये भी 2.54 से डिवाइड है, तो यहाँ कितना आ गया 1.5, ये कितना आ गया 2.5, ये कितना आ गया 2। होल नंबर बनाना चाहते हो, किससे मल्टीप्लाई करूं कि होल नंबर बन जाए, 2 से कर दूं, 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3, ये आ गया 5, ये आ गया 4, 3 5 4 है, पर वो 1 ही था, वो 1 ही है। अच्छा ये 1 है क्या, ये 2 से क्यों कर रहा है? अच्छा सबको 2 से किया, वो वाला 2 दिखा रहा है, ठीक है, ये नीचे दिखा रहा है, ठीक है, इसको नहीं दिखाया बेवकूफों ने, चलो हाँ ये 2, ये 2 आएगा फिर, है ना, तो ये 3 3 5 2, तो ये आपका एम्पिरिकल फार्मूला बन गया। बस एम्पिरिकल फार्मूले को अब मोलर मास देखो, इसने क्या किया, मॉलिक्यूलर मास * वेपर डेंसिटी * 2, ठीक है, इस गधे ने यहां पर इसका यूज किया है, बट एट लीस्ट आपको मोलर एम्पिरिकल फार्मूला निकालना आना चाहिए। वेपर डेंसिटी से 2 कर दिया तो नीचे वाले चारों ऑप्शन देख के हम क्वेश्चन ही कर लेंगे, बात ही खत्म, है ना? यस सर। हमने यहां पे 2 * वेपर डेंसिटी का यूज किया और उसके बाद ही सॉल्व किया, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, ये वाला क्वेश्चन कैलकुलेटर पर चला ऑल मोनोक्लोरेटेड पर एक बार इसका बता देना सर, ये मैंने छोड़ दिया सर, ये गलत कर दिया मैंने, मतलब आपने गलत कर दिया, ठीक है, और मैंने छोड़ दिया सर, इसमें मेरे को फीलिंग आ रही थी कि मेरा आंसर गलत है, इसलिए स्किप कर दिया मैंने। मेरी गलती हो गई सर, मुझे सी का पता नहीं चला कि सी में मतलब कैसे होगा, एक बात पूरी बैठ भी नहीं रही मेरे को, एक बात आओ, चलो जिसने छोड़ा गलती किया जो, ठीक है, कितनों को ये लगा कि ये लेंथी क्वेश्चन है, स्किप करने नहीं सर, लेंथी नहीं था सर, लेंथी तो नहीं था सर, अब इसकी वैल्यू याद नहीं थी हमें, वैल्यू याद सर, मतलब जो आ रही थी ना वैल्यू, वो समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह लाए, क्योंकि लगभग पास में ही है ना सर, कुछ 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 कितने, ठीक है चलो, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब मैं आपको इसका आंसर सॉल्व करेंगे इसका, तो देखो इसने क्या कहा, कैलकुलेट द परसेंट ऑफ द ऑल मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द क्लोरीनेशन ऑफ 2 मिथाइल ब्यूटेन, सबसे पहले 2 मिथाइल ब्यूटेन, लेट ज्वाइन, कोई बात नहीं बेटा लेट ज्वाइन है, तो आज आपका जो पेपर था हम उसी को, नमस्ते बेटा, आज जो पेपर था उसी को डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री वाला, ठीक है, थोड़ा आपने रिसेंट किया है, तो देखो भाई सबसे पहले तो इसमें ना क्या करना था आपको, 2 मिथाइल ब्यूटेन है ना, तो ब्यूटेन में कितने होते हैं, 4 कार्बन, 2 पर मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है ना, और ये भी CH3 होगा, ये भी CH3 होगा, ये CH2 होगा, और यहाँ पर अकेला H आएगा, ठीक है, ये आपका मॉलिक्यूल है। क्या कह रहा है, मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट कितने होंगे, परसेंट बतानी है, द रिलेटिव रिएक्टिविटी 1-3 डिग्री, 1 डिग्री कौन बनेगा, 2 डिग्री कौन बनेगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री हाइड्रोजन, 2 क्लोरीनेशन इज, 1 डिग्री वाले का रेशो 1 है, जो 2 डिग्री वाला है वो 3.8, मतलब 4 गुना बनता है वो लगभग उससे, और 3 डिग्री वाले का 5 गुना हाइड्रोजन बनेगा, तो यहां पर अगर मैं एक हाइड्रोजन को हटाकर यहां क्लोरीन जोड़ सकता हूं, तो मैं देखो एक तो ये बन जोड़ रहा हूं क्लोरीन, ये हाइड्रोजन कौन सा, 1 डिग्री है, 2 डिग्री, 3 डिग्री है, 1 डिग्री, यहां अगर क्लोरीन जोड़ूं एक एक हाइड्रोजन को हटा के, तो 1 डिग्री है, यस सर, यहां अगर जोड़ता हूं ये भी 1 डिग्री है सर, ये सेम ही हो जाएगा, अरे सेम तो होगा, लेकिन भाई बात ये है ना कि सेम, भले ही सेम प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन बात ये देखो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं जो रिप्लेस हो सकते हैं, 6 है ना, 3-6 नो हाइड्रोजन है, 1 डिग्री नो हाइड्रोजन है, yes. समझ में आ गया, तो यानी नो प्रोडक्ट yes. बन सकते हैं, तो ये कह रहा है कि उसकी अबंडेंस 1 है, लेकिन 1 डिग्री हाइड्रोजन रिप्लेस करके क्लोरीन के जुड़ने की अबंडेंस 1 है, बट मेरे पास ऐसे ऐसे नो है, तो ये रेशो नो नहीं बन जाना चाहिए, यस सर, ये रेशो बन गया नो, ये समझ में आया किसी को सर? कुछ कुछ आया, कुछ कुछ, अरे घंटा करो, कुछ कुछ कैसे आ रहा है, सब कुछ समझ में आ रहा है सर, नहीं मतलब आगे आगे कैसे, आगे थोड़ा और देखूंगा तो समझ, आगे का तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये जो स्टेप बताया वो तो समझ में आया ना, ये सर आ गया, ठीक है चलो, ये तो आ गया, दोबारा बताता हूं, सुनो बेटा देखो इसने क्या कहा था, ठीक है, भगवती को भी नहीं आया, कोई बात नहीं, देखो यहां मैंने क्या किया, CH3 था, एक क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है ना, ये तो समझ में आया होगा, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन 1 डिग्री के हैं, ठीक है, तो यहाँ एक क्लोरीन जोड़ दिया मैंने, दूसरे को भी एक क्लोरीन, तीसरे को भी, अब उसने बोला 1 डिग्री वाले जो हाइड्रोजन है ना, अगर उनको रिप्लेस करते हो तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो उसका रेशो 1 है, और अगर 2 डिग्री को रिप्लेस करते हो उसका रेशो लगभग 4 गुना है, 3.8, और अगर 3 डिग्री हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन जोड़ते तो उसका रेशो 5 गुना है, मतलब वो प्रोडक्ट 5 गुने अमाउंट में बनता है, उसकी रिएक्शन 5 गुना जल्दी होती है, 5 गुना 5 मल्टीपल में 1 के मुकाबले, ठीक है, तो मेरे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 9 है,
उसका अबंडेंस है एक, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन जुड़ेगा एक रेशो है, नो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन जुड़ेगा तो भाई नो गुना अमाउंट बढ़ गया ना उसका एक की बजाय, yes. नाइन गुना हो गई प्रॉपर्टी। ठीक है, सुने ना बेटा, समझ में आया? ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन भी है इसलिए मैं बोल रहा था कि आप लोगों ने पता नहीं कैसे अंदाजा लगाया, जो भी है व्हाटएवर द थिंग्स आर। ठीक है, अब आगे देखिए, अब टू डिग्री वाले को देखते हैं। टू डिग्री कौन से, ये दो ही है, दो ही है, बाकी तो कोई है ही नहीं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर, मैं अब कलर चेंज करके यहाँ यहाँ एक हाइड्रोजन कर दिया और मैंने यहाँ पर क्या जोड़ दिया, क्लोरीन जोड़ दिया, ठीक है, एक हाइड्रोजन हटा दिया, तो ऐसे ऐसे कितने, दो हैं। तो भाई ये कह रहा है ये 3.8 है, तो 3.8 का डबल नहीं हो जाएगा, 3.8 इंटू टू, यस, क्योंकि ऐसे ऐसे दो हाइड्रोजन है, इनका रेशो आ गया, ये क्लियर है बेटा, हाइड्रोजन एक ही है ना, यस। 3 डिग्री, इसको मैं हटा दूं, यहां से इसको हटा दूं और यहां पर क्लोरीन जोड़ देता हूं, तो इसका रेशो कितना है भाई, 5 into 1 रहेगा, 5 into 1, है ना, 5 into 1, तीनों का मेरे पास रेशो आ गया 9 ratio 3.8 7.6 7.6 7.6, है ना, और इसका कितना आएगा 5, सबका रेशो आ गया मेरे पास, टोटल रेशो निकाल लो और इनकी परसेंटेज निकालनी, इनका टोटल करना कितना बनेगा, 5 और 6 14 और 7 21.6 0.6, ठीक है, 21.6 आ गया। अब मुझे 1 डिग्री हाइड्रोजन का निकालना है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन का 9/21.6 × 100, ये परसेंटेज आ गई ना, यस सर, इतना इसका रेशो है जितना टोटल है, मल्टीप्लाई में 100 उसकी परसेंटेज आएगी, सेम टू सेम। अब मुझे 7.6 वाले का 2 डिग्री का निकालना है, तो 7.6 / 21.6 × 100, ठीक है, और तीसरे वाले का क्या आएगा, 5/21.6 × 100, यस, ये तीनों चीजें समझ में आ गई, यस सर, ठीक है, तो बस ये ऐसे होना था क्वेश्चन। अब इसकी परसेंटेज निकालने में भी कैलकुलेशन करनी थी, और देखो अगर आपने प्रोडक्ट बनाने में और इसको समझने में गलती करी तो आंसर गलत आएगा, तो यानी ये क्वेश्चन एक तरह से ना सिली मिस्टेक ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी थी, ध्यान से करना जरूरी था, तो अगर इसको आप स्किप कर रहे हो और आगे वाले क्वेश्चन कर रहे हो तो ये गुड आइडिया था, ठीक है। तो मतलब 4% कैसे निकालेंगे, क्या बेटा, इसमें तो 4% है ना, 4% है, उनके लिए अलग माना गया है, टाइप ऑफ हाइड्रोजन अलग हो सकता है, ठीक है समझ गया, हाँ, ये भी एक वन ऑफ द कह सकते हैं, सर इससे आंसर भी नहीं आएगा कोई सा, जो फर्स्ट वाला 1 डिग्री के लिए निकाली है उससे 41% के आसपास कुछ आ रहा है, सही बोल रहा मन, समझ गया, मतलब फर्स्ट डिग्री में हमने गड़बड़ करी है, तो फर्स्ट डिग्री के हाइड्रोजन देखो भाई, समझ सर ये हो सकता है ना कि यहाँ पे 4 monoclorinated प्रोडक्ट है, तो जब हमने 1 डिग्री के लिए निकाला है, वो पहले वाले और चौथे वाले का दोनों का सम हो, पहले और चौथे का सम, तो फिर हम यहाँ कर ही रहे हैं, वो तो ये इकट्ठा आएगा ही, नहीं सर ये लोग जो 41% बोल रहे हैं, हो सकता है कि जो 2 monoclorinated प्रोडक्ट है ना यूनिक, हो सकता है उन दोनों के परसेंटेज का सम हो, 41 जो भी आ रहा है दोनों का, हाँ वो दोनों का सम आ रहा है हमारे पास, बिल्कुल वही कह रहा हूँ मैं, हाँ, टोटल कितना आ रहा है, पहले मेरे को परसेंटेज बताओ सभी निकाल के, 41.67 आ रहा है सर 1 डिग्री के लिए, यस सर यही, ठीक है, तो 1 डिग्री का हमारे पास आ रहा है 41.67, ठीक है, और 2 डिग्री वाले के लिए कितना आ रहा है, एक मिनट, एक ही का निकाला था वही गलत, 25 के आसपास आएगा सर, इसका 25 के आसपास आएगा, चलो मैं कर ही लेता हूँ, रुक जाओ फिर, 7.6 / 21, इसका 33 के आसपास आएगा, 35 something आ रहा है सर, 35.18, ठीक है 35.18 है, 35.18, और 5/21 वाले का 5/21.6 सर ऑप्शन बी में कुछ कुछ मैच कर रहा है, लास्ट का जो फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला है
उसका सम 41.67 और साथ में ना 35 चीज और पूछनी है सर, ये और ये नहीं कर रहा 28 और सर इनकम मैच कर रहे, तो ये दोनों का हो सकता, बिल्कुल हो सकता। ठीक है, तो अभी ये समझ में आया कि हमारी दो तो परसेंटेज मैच तो कर ही रही है 35 वाली। अगर मान लो यहाँ मैं 9 वाले में जो 9 हाइड्रोजन है इसमें दो टाइप के हाइड्रोजन है, 9 हाइड्रोजन है, ये है हमारे पास। सही बोल रहा है प्रणब, जो फर्स्ट और फोर्थ वाला ऑप्शन है ना बी में, उसका ऑलमोस्ट 42% ही आ रहा है जो हमने निकाला, उनका सम तो हमारा भी 42 हमें एवरेज, ये तो मतलब नियरली आ रहा है तो वो सही आएगा। मैं वही बता रहा हूँ, देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन कौन कौन से हैं और कितने टाइप के हैं, अब जरा हम उसके टाइप पर ध्यान देंगे। मैं इसको यहाँ से रब कर रहा हूँ जो हमने 1 डिग्री हाइड्रोजन दिए थे, ठीक है, यानी इसमें थोड़ा सा और डेप्थ है इस क्वेश्चन में, सीधी सी बात है। ये CH3 था, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, तो देखो जरा ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, लेकिन इसमें 1 डिग्री ये दोनों तो सेम है, आंसर तो सी है, ये प्रोडक्ट सेम बनेगा ना। यस सर, देखो अगर मैं यहां से एक क्लोरीन, यहां एक हाइड्रोजन हटा के क्लोरीन जोड़ दूं, ठीक है, तो इसका जो भी नाम आएगा, इसकी बजाय अगर मैं यहां से एक हाइड्रोजन हटा कर क्लोरीन जोड़ दूं, दोनों का नेम सेम आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, ये समझ में आ रहा है सर? इसका तो आंसर, सर इसका आंसर सी था, इसका आंसर सी है। यस यस, इसका आंसर सी है। हाँ, सी में क्या क्या आ रही है भाई परसेंटेज? सर सी तो मैं ऐसे भी नहीं कर रहा सर, एक चीज और पूछनी है, ये 100 भी नहीं हो रही टोटल परसेंटेज, टोटल 100 नहीं बन रही हमारा, हमने जो निकाली है सर, नहीं सी वाली जो 100 भी नहीं बन रही, बी वाली 100 बन रही थी, तो मैंने उस तरह से तुक्का लगाया था इसका। ये भी सही है ना, बट उसका 100 बनने से कोई लेना देना नहीं, सही मैच लगाई उस, क्योंकि एक और प्रोडक्ट आ रहा बीच में, रुक जाओ कोई बात नहीं, बट मैं जो कह रहा हूँ पहले उसको समझ लो, ठीक है, फिर बाद में इसका आंसर निकालते हैं। तो ये 3 हाइड्रोजन क्या है, अलग है, और ये 6 हाइड्रोजन एक जैसे हैं, तो यानी हमें 6 हाइड्रोजन के लिए 6 हाइड्रोजन का रेशो और 3 हाइड्रोजन का रेशो ये अलग अलग निकालना पड़ेगा, ये समझ में आया? तो यानी हमारे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन, अब 1 डिग्री हाइड्रोजन हमारे पास अलग अलग टाइप के, एक 1 डिग्री हाइड्रोजन कौन से हैं, 3 आएंगे कि 6 आएंगे? अब ये एक क्वेश्चन है कि इसको 1 वाले को 3 मिले या 6 मिले, ये समझ में आया? पहले 1 वाले को 3 मिले कि 6 मिले? यस सर, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि उस 1 डिग्री का आंसर कौन सा वाला होगा, उस 1 डिग्री का आंसर कौन सा वाला हुआ? ठीक है बेटा, मैं बता देता हूँ, चलो मैं आपको ना आंसर दिखाता हूँ, फिर आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। मैं अभी उस आंसर से ही आपको फिर बताता हूँ कि ये क्या कहानी है। तो 9 की जगह शायद 6 होगा, 9 की जगह 6 होगा इसमें सर, क्योंकि सर मतलब यहाँ पे आपने मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट लिख रखे हैं, देखो एक तो ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट्स तो हमने सही बनाए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा आंसर देखो, इसका आंसर क्या आ रहा, दिख रहा है सबको स्क्रीन पे आंसर? यस सर, यस सर, ठीक है, तो आंसर वैसे आपके पास पेपर का आंसर तो वैसे आंसर आ गए होंगे ना, ये 2 मिथाइल की दे रहे हैं सर, ये यहाँ पे 14 दे रखा है, मेरा गलत आंसर है, आपका आंसर गलत है सर, 14 नहीं, 14 बी वाला लिखा था, 14 वाला ही लिखा था और वो गलत कर दिया है पेपर में, वो गलत कर दिया। देखो यहाँ आंसर है भाई सर, मतलब हमने सही निकाला है, वो सी ऑप्शन फिर उनकी साइड से ही गलत सर, मतलब मेरा टुक्की वाली स्ट्रेटजी भी ठीक थी कुछ हद तक, कभी-कभी गड़बड़ है। देखो जरा सी, इन्होंने आंसर सी दे रखा है, ठीक है, अब सी के हिसाब से इन्होंने एक प्रोडक्ट ये बनाया, यहाँ पे क्लोरीन जोड़ दिया, एक प्रोडक्ट ये बनाया, यहाँ क्लोरीन जोड़ दिया, हम भी ऐसा ही कुछ कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 2 3 फिर एक प्रोडक्ट इन्होंने ये बनाया, यहाँ पर क्लोरीन जोड़ दिया, ठीक है, उसके बाद में अब इन्होंने क्या किया है फर्दर ऑन, देखो एक क्लोरीन यहाँ जोड़ा, एक क्लोरीन यहाँ जोड़ा, ये दोनों भी, ये दोनों में और लगा रखा है, ये बना लो या ये बना लो, बात एक ही, ठीक है, ये दोनों सेम टाइप के हाइड्रोजन हैं, तो यहाँ पर ये 6 हाइड्रोजन जो है वो सेम टाइप के हैं, जो कि 1 डिग्री है, और ये वाला जो बन रहा है ये भी 1 डिग्री है, ये समझ में आया, और इसमें 3 हाइड्रोजन है और इसके अंदर 6 है, ये इन दोनों का इन्होंने अलग परसेंटेज निकाल दिया, अब वो देखो कैसे निकाल रखा है, ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं, पहला इसने किया ये वाला, ऐसे ऐसे कितने हाइड्रोजन है, रेशो है 1, हाइड्रोजन है 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर, रिलेटिव अमाउंट समझ में आ गया?
यस सर ऑप्टेन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ थ्री इक्विवेलेंट हाइड्रोजन, ये तीन इक्विवेलेंट हाइड्रोजन है तीनों बराबर है। फिर दूसरे वाला देखो यहाँ पर 2 डिग्री हाइड्रोजन है, 2 डिग्री का कितना रेशो था और 3.82 82 है, कितना रेशो था भाई सर 80 है 3.8 है, वो 3.82 क्यों लगा रहा सर उसने अपने मन से जोड़ दिया। ठीक है अब देखो और यहाँ कितने हाइड्रोजन है ये 2 डिग्री में, दो है ना, तो ठीक है ये भी गलती कर रखी है यार 7.6। ठीक है ये क्लियर हो गया, ये भी समझ में आ गया। तीसरा देखो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, एक ही है 1 × 5 आएगा, ये भी आ गया। ये तीनों चीजें समझ में आ गई yes, सर। अब हमने क्या किया था इस हाइड्रोजन और ये 6 हाइड्रोजन को जोड़ रखा था, तो अब ये 6 हाइड्रोजन कौन से हैं भाई, यहाँ पर तीन हाइड्रोजन तो यहाँ एक क्लोरीन जुड़ा, दो हाइड्रोजन और बचे हुए हैं दोनों जगह पर, यानी कि सेम टाइप के, और ये दोनों भी सेम टाइप के हाइड्रोजन है, मतलब ये जो टोटल 6 हाइड्रोजन है वो एक जैसे हैं जो 1 डिग्री बनाते हैं, और यहाँ पर टोटल जो तीन हाइड्रोजन है वो एक जैसे हैं जो कि 1 डिग्री हाइड्रोजन है, तो तीन हाइड्रोजन को अलग से ले लिया ये इक्विवेलेंट है, और ये 6 हाइड्रोजन अलग से इक्विवेलेंट है। डी इज ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ 6 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन एटम, और इसके लिए क्योंकि 1 डिग्री है तो इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ये आ गया 6, क्लियर है समझ में आया सर। अब टोटल तो 21.6 ही बन रहा, तो हमने इसको क्या किया था ये 6 और ये 3 हमने टोटल 9 कर दिया था, यही किया yes, तो हमारा टोटल भी 21.6 ही आ रहा था है ना, ये रहा 21.6 ही है। ठीक है तो यानी हमने कोई गड़बड़ नहीं की है, लेकिन इसने इस हाइड्रोजन से प्रोडक्ट अलग बनेगा, इससे अलग बनेगा, थोड़ा और डेप्थ में ले गया क्वेश्चन को, और कुछ नहीं किया, टोटल तो 21.6 ही है। तो सबके साथ किया क्या फिर इसने, तो देखो 3 / 21.6 14% आ गया, और लास्ट वाला 6 / 21.6 28% आ गया। बीच के ये दोनों तो हमारे सही थे 35 और 23 जो हम कह रहे थे, पता चल जाता दादा की सोचना था, 35 और 23 हमारे सही आ रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से भी हमें आंसर निकल सकता है, तो भाई उसके बाद 35 और 23 तो और किसी में है ही नहीं, हाँ सही है, तो आंसर तो बी होना चाहिए, यस इज दिस नॉट बी होना चाहिए, लेकिन दे सी रखा है, और देखो सॉल्यूशन से भी आंसर बी ही मिल रहा है, और वैसे भी अगर हम गलत बी कर देते ना, मतलब हम इसको 41 मानते हैं, ठीक है यहाँ पर 4 दे रखे हैं, तो इसका मतलब 4 टाइप के हाइड्रोजन बनेंगे, और 4 टाइप में ऑब्वियस है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री के कम से कम 2 हो सकते हैं, या 2 डिग्री के 2 या 3 डिग्री के 2, कोई 2 हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे बीच वाले 2 तो सेम आ रहे हैं, तो यहां से हमें अंदाजा लग जाएगा कि ये तो है 2 डिग्री वाला, ये है 3 डिग्री वाला, ये 1 डिग्री वाला है, तो ये उनमें से कुछ और बनेगा, तो ऑप्शन तो यही हो सकता है, यानी राइट ऑप्शन तो बी ही है, और अगर आपका वो गलत कर रखा है तो कोई बात नहीं, घबराने वाली दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया सबको। बट ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा दिमाग खाऊ था ना सर, अच्छा अच्छा गलत होने सर, मैंने बी डाला और फिर गलत हो गया, और टोटल देख के टोटल करके देखना इसका कितना बनता है 35 और ये सर ये सब 100 बन रहा था सर, इसी का 100 बन रहा और किसी का 100 भी नहीं बन रहा, नहीं और किसी का 100 नहीं बन रहा था, इसलिए तो तुक्का मारा था इसको सर, ये तो सही तुक्का मारा इसने बिल्कुल, शॉर्टकट में निकालने का तरीका ये भी था, ऑब्वियस है टोटल परसेंटेज 100 बनेगी, तो सोचने वाले ने ज्यादा नहीं सोचा, ये बकवास क्वेश्चन बना रखा था, तो वैसे डायरेक्ट कर सकते थे अगर माइंड में आ जाए तो, है ना, और नहीं आ रहा माइंड में, तो एक क्वेश्चन समझ ही नहीं आया, मैंने देखते ही छोड़ दिया, ये 100% वाला भी फिर दिमाग में नहीं आया, एक चीज मैं समझ सकता हूँ कि बहुतों को समझ में नहीं आया होगा, अभी आप लोगों को ये समझ में आया कि नहीं आया, हाँ सर अब आ गया अच्छे से, दो तरीके अब याद रखना, इसके दो तरीके, एक तो 100 का प्लस करके देख लो, बट हो सकता है कि किसी दूसरी परसेंटेज का भी टोटल 100 बन रहा हो, ये हो सकता है ना सर, जनरली बनता ही है, इस बार इनसे भूल हुई, हाँ जनरली सभी परसेंटेज का 100 बनना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं बन रहा, वो एक अलग बात है सर, अगर नहीं बनता तो फिर ये मैथ्स का सवाल रहता ना, फिर ये केमिस्ट्री का सवाल रहता ही नहीं। गुड मॉर्निंग सर, अभी प्रणव बोल रहा है, देखो सर सर मेरे तुक्के कभी सही नहीं होते, गलत क्यों, अरे वो सही तुक्का भी बेचारे गलत हो गया यार, चलो कोई बात नहीं, फिर वो तो प्रॉब्लम सिस्टम में उसका क्या कसूर, सही है चलो कोई बात नहीं भाई, तुम तुक्के मत ही मारा करो यार, जो होता है ठीक है, इसका देखो इसका ग्रेस मिलेगा यश को, है ना सर, रिक्वेस्ट करो अपनी टीम से उसको ग्रेस मांगिए, दिया उनको कुछ नहीं मिलेगा, ये भी याद रख लेना सर, कोई नहीं, अब सोच रहा कि मैं सही कर रही हूँ, मुझे लगा गलत है मेरा, लोग मुस्कान को लगा सही है लेकिन गलत लगा, तो इसलिए छोड़ गए, कोई बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस कंफ्यूज करते हैं और टाइम भी ज्यादा खाते हैं, तो ध्यान रखना इनको लास्ट में लपेटने का,
देखो लास्ट में लपेटने का मतलब पता क्या, ये क्वेश्चन आपको आता है आप कर सकते हो, ठीक है, कॉन्फिडेंट भी हो, लेकिन पता है कि यार कहीं कंफ्यूजन में गलती ना कर दे, सिली मिस्टेक ना कर दे, तो क्या तरीका है, लास्ट में उठाओ, बात खत्म। समझ में आ गया? यस सर। है ना, तो इस क्वेश्चन को लास्ट में उठाने का, बस और कुछ नहीं करना बेटा, ये लास्ट में उठाओ, आराम से करो, जब वेले बैठो, जैसे आज यश वेला बैठा था, फ्री बैठा था ना यश, आधा घंटा मेरे को बता रहा था, है ना, तो बेटा आधे घंटे में मैं ये क्वेश्चन करने के लिए बोल रहा था, ऐसे सर आधे घंटे पहले दे दिया था, मतलब फ्री नहीं बैठा था, वही एक ही बात हुई ना, फ्री थे आधा घंटे के लिए, है ना, तो उस टाइम पर आप ऐसे क्वेश्चन ढूंढो जो आपको लग रहा है कि आप कर तो सकते हो लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, तो उनको फिर लपेटने का, क्योंकि बाकी आप अपनी तरफ से डन, है ना सर। आधे घंटे में फिर ये लगता है ना कि बाकी क्वेश्चन के पीछे क्यों जाए, जो कर रखे उनको एक बार देख लेते हैं, उनको देख लो, वेल एंड डिफाइंड है, लेकिन अगर आपको लगे कि वो सब भी चेक कर लिए, जैसे यश ने तो पेपर ही बंद कर दिया, तो ये अपनी तरफ से डन था, जब आप अपनी तरफ से डन हो उसके बाद आपको लगे कि यार अब मैं बस ठीक है, मैं चुप करके बैठा हूँ, बैठना नहीं है, वहां पर ऐसे क्वेश्चन उठाओ जिसमें आपको थोड़ा बहुत भी आसान लगता है और लगता है कि इसको मैं कर सकता हूँ, तरीका ढूंढो, दिमाग लगाओ, यश ने ठीक दिमाग लगाया कि 100 करके देखो, सबका 100 आ रहा था सर, लेकिन देखो ना सर, मैं एक तुक्का लगाया वो भी सही भी नहीं, गलत हो गया फिर से कोई बात नहीं, वो सही होते हुए भी गलत हो गया ना, इसलिए कहते हैं मिलता उतना ही जितना ऊपर वाले ने लिख रखा है, तुक्के से काम नहीं चलेगा, नॉलेज अच्छे से गेन करो, ठीक है, समझ में आ गया बेटा, अभी ये सबको समझ में आ गया क्या, दैट इज माई क्वेश्चन, इसको दोबारा से जरूर करना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट में टाइम ही नहीं बचता, देखो अब समृद्धि बोली टाइम ही नहीं बच रहा, और यश पता नहीं कहां से आधा घंटा ले आया, मुझे 10 मिनट ही बचते हैं एंड में मुश्किल से, हाँ चलो ठीक है, वैलेंटाइन यही मेरे को भी समझ में नहीं आया यश, सर इनके सर जितने आते हैं उतने मैंने कर दिए, और मतलब मुझे 5 बजे से पहले देना था, तो मिक्सचर ऑफ द प्लांट पिगमेंट कैन नॉट बी कैन बी सेपरेटेड बाय क्रोमेटोग्राफी, रीजन क्रोमेटोग्राफी से प्लांट पिगमेंट का कलर्स को आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, समृद्धि ने इसको स्किप कर दिया, कोई बात नहीं, कलर्स को सेपरेट किया जा सकता है क्रोमेटोग्राफी से, इंक के कलर को भी क्रोमेटोग्राफी से सेपरेट कर दिया, बस ये यस सर, ऑप्शन ए था करेक्ट, क्रोमेटोग्राफी यूज्ड टू द सेपरेशन ऑफ द कलर्ड सब्सटेंसेस इनटू इंडिविजुअल कंपोनेंट्स, कलर्ड सब्सटेंसेस को इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में ये सेपरेट कर देती है, अगर सिर्फ कलर को करती है, अनकलर्ड को मतलब क्या बोलते हैं उसको, अनकलर्ड क्या बोलेंगे उसे, नॉन कलर्ड को नहीं कर सकती है, करती है, कर सकती है, प्रिंट कर देता है ना कलर अलग अलग कर देता, तो इफ बोथ assertion reason is true but reason is not true, correct explanation of the assertion, if the assertion is true but reason is false, if the assertion and reason both are false, that's the answer, answer है B भाई, chromatography non color वाले को भी कर देती है, ठीक है, क्रोमेटोग्राफी यूज टू सेपरेट द ऑलमोस्ट गिवन मिक्सचर्स वेदर द कलर, सर बस ये बता दो रीजन कैसे एक्सप्लेन नहीं कर रहा उसको असर्शन को, उसने बोला क्योंकि वो कलर्ड सब्सटेंसेस को इंडिविजुअली सेपरेट कर सकती है, क्रोमेटोग्राफी में कलर्ड और नॉन कलर्ड दोनों सब्सटेंसेस सेपरेट हो सकते हैं, ओके सर, उनकी मूवमेंट पर डिपेंड करता है कि कोई चीज जल्दी चलती है, जैसे मान लो शहद है, शहद की मूवमेंट धीरे होती है, पानी है, पानी की मूवमेंट फास्ट होती है, तो आप दोनों को गिरा रहे हो, शहद नीचे है, पानी ऊपर डाल लिया आपने, अब गिरा रहे हो, पानी पहले गिरेगा, शहद तो बाद में आएगा, दोनों इकट्ठा नहीं गिरेंगे, यही काम क्रोमेटोग्राफी करती है, ठीक है, बस कुछ चीजें उसमें याद करनी पड़ती है और कुछ भी नहीं, ठीक है, चलो भाई तो अब नेक्स्ट देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसकी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई, थोड़ा धुंधला सा है क्योंकि ये शायद क्वेश्चन में ऐसा था, C11H14O2 है, OHY बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड अलग हो जाएगा, KMnO4 के साथ कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ जाएगा इसके साथ, यानी कि ये बेंजीन था पहले से पक्की तौर पर, दो कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ रहे हैं, क्रोमन KMnO4 क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन करवा रहा है, तो बेंजीन है यहाँ, CH3CH2 हो सकता है ना, यस सर, लेकिन देखते हैं तो इन्होंने ऑप्शंस में था कुछ दे ही नहीं रखा, तो एक ये भी हो, देखो इसको भी वो कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है, इसको भी कर सकता है ना, एक हाइड्रोजन भी है तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल देता है KMnO4, है ना, तो यानी कि ये वाली साइड तो समझ में आती है, अब उसके बाद में उन्होंने कहाँ जोड़ रखा है, और तो छोड़ के मेटा पर जोड़ रखा है, तो एक छोड़ के दूसरे नंबर पर, सारे एक छोड़ के दूसरे नंबर पर है, तो कौन सा उड़ाएगा भाई, ये देख लो सर, बी वाला होगा क्योंकि सी वाला, सर बी वाला है क्योंकि जो बाकी सारे है ना जिनमें पीछे लंबी चेन है, तो लंबी चेन वाले में तो COOH नहीं बनेगा ना, मतलब एक कार्बन के बाद में बेंजीन के, उनके तो आगे भी बन सकता है ना, आगे बन सकता है, एक ऑक्सीडेशन होती है जिसके अंदर एच, यहाँ पर एच जरूर होना चाहिए, अगर यहाँ एच है तो वो COOH में कन्वर्ट हो जाता है, यस सर, यस सर, ए और डी हम हटा सकते हैं,
तो फिर yes, ये भी बन सकता है वो, तो ये भी यानी सी ओ ओ एच तो हर जगह पर बन जाएगा, याद रख लेना सी ओ एच हर जगह पर बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है एक ही पोजीशन पर। अब प्रॉब्लम ये कि इसको हटा के हम कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ रहे हैं, ठीक है, नहीं सर, इसको हटा के जोड़ रहे हैं या इसको हटा के जोड़ रहे हैं, इसको हटा के जोड़ रहे हैं, किसको हटा के जोड़ रहे हैं, वो डिपेंड करेगा जब हमने ओ एच डाला, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा अलग हो गया। अब ऐसा क्या था जो अलग हो गया, यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं सर, वहां पे एक कार्बन होना चाहिए ना, ये तीन कार्बन की चेन है, CH3 CH2 CH, ये कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है तो इसको डायरेक्ट हटा सकते हैं ना ऑक्सीजन के पास, किसको, ए और डी को, ए और डी को ऑक्सीजन के पास से डायरेक्ट हटाया जा सकता है, और यहां से ये हट गया तो क्या ये बनेगा सर, बी है सही, ये तो बन भी जाएगा, हाँ ठीक है सुन तो लो, ये तो बन सर, नीचे वाला नहीं बनेगा, COH नहीं आएगा वहां पे, यहां पर COH नहीं लग पाएगा बाद में, समझ गए, तो COH किसके बाद लग सकता है, COH हो तो जाएगा सर, H है तो B के पास, हो तो जाएगा आराम से सर, B वाला हो जाएगा, B वाला हो जाएगा सर COH में कन्वर्ट, हां 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 मैं भावनाएं समझ रहा हूं, मैं थोड़ी रीजनिंग दे रहा हूं, अब थोड़ा सा एक मिनट के लिए मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका, ये तो समझ में आ गया, यहाँ तो COH लग सकता है सबके साथ, ये ऑप्शन तो बिल्कुल सही है ना, ये क्लियर है सबको, यस सर, हमें अब दूसरे वाला COH लगाना है जो कि एक पोजीशन छोड़ के है, तो सब में एक पोजीशन छोड़ के ही कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो मतलब अब ये यानी सारे ऑप्शन सही हो सकते हैं, फिर हमें देखना है कि ये वाला ऑप्शन किसमें है, तीन कार्बन की चेन के साथ COH है, तो COH के साथ दो कार्बन और होने चाहिए, है यहाँ पर COH के साथ में दो कार्बन, यहाँ पर भी है, यहाँ COH के साथ दो कार्बन है, नहीं है एक ही कार्बन है, तो ये ऑप्शन निकल लिया, खत्म, समझ में आ गया, यस सर, ये सी वाला ऑप्शन भी खत्म, इसके पास तो ओ ही नहीं है, तो ये भी खत्म, तो ये दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए, खत्म हो गए, अब बचा क्या, ए और बी में से ये निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है, और भी दोनों में से निकल सकता है, अगर ए में से ये मैं निकाल देता हूं तो यहां तो कुछ बचेगा ही, मुझे यहां कम से कम कार्बन की एक चेन चाहिए, CH3 चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जिसको मैं बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकूं, तो यही ऑप्शन हो सकता है, ये वाला भी नहीं होगा, यस सर, अभी समझ में आई मैं क्या समझाना चाहता था, यस सर, आ गई, यस सर, आप लोग सही कह रहे थे, नो डाउट, आप सभी बी कह रहे थे, बट मैं कह रहा था कि देखो तो सर एक बार ऑप्शंस को, ठीक है सर, एक बार ए और बी में क्या डिफरेंस वो बताना एक बार, एक ए और बी में देखो बेटा, अगर मैं यहाँ से ये वाला उड़ा दूं बिल्कुल उड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा, एच ही बचेगा, और यहाँ से उड़ा रहा हूँ तो यहाँ पर वो CH3 बच सकता है, यस Yes, और मुझे यहाँ कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जिसको बाद में ऑक्सीडाइज करने के बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए, अगर यहाँ एच जुड़ा हुआ है तो ये KMnO4 के साथ ऑक्सीडाइज नहीं होने वाला, समझ गए, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस ए और बी के बीच में, ठीक है, क्लियर है बेटा सबको, यस सर, हो गया, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए फिर, नहीं ये अगला क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, हाँ ये देखो अमेरिका की, यहाँ पे OH जुड़ गया, वही मैं बोल रहा था कि यहाँ CH2 CH3 हो, भले ही OH हो कोई दिक्कत नहीं है, तो ये OH भी है, इसको भी ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, जबकि दूसरे वाले केस में क्या आ रहा था, अगर यहाँ हम इसको के साथ H लगा देते हैं, अब ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, मतलब KMnO4 अगर यहाँ अकेला H होता, यहाँ पर नॉट देयर, यहाँ पर अगर H होता तो KMnO4 इसको COH में कन्वर्ट नहीं कर, क्लियर है, बस इतना ही रीजन था, नेक्स्ट देखो जरा, given below the two statements, one is sir, A, A, both A, and A, A, sir, D, A, sir, sir, D, 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 वाला option है, both A and D, D, वाला है, sir, D, S, D, sir, D, सही है, अरे सही, मतलब both A and R, true and R, मेरे पास सारे option आ चुके हैं, well and good, ठीक है, भगवती बोल रही है, समझ नहीं आ रहा, कौन सा बेटा, पीछे वाला question कह रहे हो, ये वाला कह रहे हो, assertion, sir, previous question है, पिछले मेरे test में भी आया है, ठीक है देखते हैं, तो गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन, ए एंड द अदर इज लेबल्ड एज रीजन, असर्शन बोलता है HOH वाटर बोन एंगल 104 डिग्री 4.5 डिग्री होता है, बिल्कुल सही है, असर्शन सही है, पहली बात तो ये कि असर्शन ए इज फॉल्स, तो ए इज ट्रू जहां पर है ना वो को ऑप्शन होना चाहिए यार, बात ही खत्म है, तो देखो चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो ए इज फॉल्स, ए इज ट्रू, बोन एंगल यही होता है इसमें है, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ये भी हो सकता है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ये भी हो सकता है, तो ए यानी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता, क्लियर है, यस सर, पहले वाला तो पक्के तौर पर कट गया, अब दूसरा रीजन देख लो, तो लोन पेयर रिपल्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज हायर देन द बॉन्ड पेयर, बिल्कुल सही है, इसी वजह से बॉन्ड एंगल होता है, तो असर्शन और रीजन दोनों के दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट, समझ में आ गया सबको, यस सर,
ज्यादा रिपेल करता है, जिसकी वजह से होना क्या चाहिए, वाटर का स्ट्रक्चर बता देता हूँ, भूल गए हो गया। 20 डिग्री का एंगल होता है बट देखो 109 डिग्री 28 मिनट बोन एंगल, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इसकी, ज्योमेट्री कैसे है टेट्राहेड्रल है ना, टेट्राहेड्रल मतलब 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होना चाहिए, बट लोन पेयर बोन पेयर को ज्यादा रिपेल करते हैं, इसकी वजह से ये टेट्राहेड्रल नहीं डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल हो गया, डिस्टोर्टेड खराब वाला टेट्राहेड्रल, ये ज्योमेट्री है। शेप कैसी है, शेप में लोन पेयर काउंट नहीं होते, इसीलिए वी शेप कह लो या बेंट कह लो, ये वी बन रहा है ना, वाटर को उल्टा भी बना सकता हूं मैं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो ये वी शेप या बेंट बोलते हैं इसको। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। पानी वी शेप या बेंट शेप होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है लेकिन शेप उसकी वी या बेंट, क्योंकि शेप में लोन पेयर को काउंट नहीं करते, लोन पेयर को भूल जाओ, अब देखो शेप, तो शेप वी शेप या बेंट बनेगा। समझ में आ गया सबको? तो ये दोनों सही एक्सप्लेनेशन है कि लोन पेयर बोन पेयर को रिपेल कैसे करता, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर बना रखा है और ये रीजनिंग दे रखी है कि डी इज द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कंपाउंड हुज स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला इज रिटन बिलो, नीचे स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, कंपाउंड है ज्योमेट्रिकल दो हो सकते हैं कैसे सर, वहाँ पे एच और एच है ना, तो मतलब दो ज्योमेट्रिकल बन जाएंगे, एक सिस और एक ट्रांस बनेगा, ठीक है, दूसरा तो बन नहीं सकता, डबल बॉन्ड के अगेंस्ट ही बनेगा ज्योमेट्रिकल। Yes, sir. Sir. और ऑप्टिकल, ऑप्टिकल कितने बन रहे हैं? सर नहीं बनेगा क्योंकि कायरल कार्बन सर, ये वाला जिसके साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा है इसको हम कायरल कार्बन नहीं कंटेंट मतलब ट्रीट करेंगे सर, बस ये बता दो कायरल कार्बन कैसे नहीं बन रहा था पहला वाला, जिसपे जुड़ा ओ एच जिसपे जुड़ा हुआ है ये वाला कार्बन, एक दो तीन चार, बिल्कुल सही बात है भाई, ये होना चाहिए सर, नहीं क्योंकि दो मिथाइल ग्रुप सर, लेकिन वहाँ पे शायद मिथाइल है इस वजह से नहीं है, दो मिथाइल कहाँ है, दो मिथाइल, ये मिथाइल ग्रुप है सर, एक छह वाला मिथाइल है ना सर, उसके नीचे ये पूरा, अच्छा हाँ ये वाला नीचे वाला, ठीक है, इनको अलग कर रहे हम लोग, सही है, मेरे को भी देखने में थोड़ा गड़बड़ हो गया, समझ में आ गया सर, यही गलती कर दी हमने। दीपिका हाँ सर आ गया है ना, वो मिथाइल और वो सिलेक्टरी अलग अलग नजर आ रहे हैं, वो सेम एक ही चीज है ना, बाकी सबको समझ में आ गया तो यही होना चाहिए, दैट्स इट। सिस और ट्रांस बन रहे हैं भाई, दो ऑप्टिकल आइसोमर्स बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं, और यहाँ पर जीरो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कायरलिटी, कायरलिटी एक दफा दोबारा बता दीजिए, बता रहा हूँ, कहते हैं सिली मिस्टेक आते होते गलत किया, हाँ बिल्कुल है ना, देखने में गड़बड़ हो जाती है, देखो जो कार्बन, कोई ऐसा कार्बन ढूंढो जिसके चारों ग्रुप अलग हो, इससे यहाँ सर वो देखने में ऐसा ही लग रहा था कि वो अलग है, पर अलग है ना, मेरे को भी एक बार ऐसा ही लगा, मैं कह यार हाँ बिल्कुल सही बात तो बोल रही है मुझे है ना, पर बिल्कुल राइट है ना, तो यहाँ देखो वो कार्बन जिसके चारों ग्रुप अलग होते हैं, चारों ग्रुप, ये वाला पूरा ग्रुप काउंट होगा, पूरा ग्रुप है ये, तो देखने में तो चारों अलग लग रहे हैं लेकिन ध्यान दो ये दोनों सेम है, यस सर, तो अगर दो ग्रुप भी सेम हो गए तो वो कायरल कार्बन नहीं होता, तो उसके ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होंगे, ऑप्टिकल आइसोमर तभी होंगे जब सारे ग्रुप अलग हो, तब ऑप्टिकल आइसोमर में काउंट होगा वो, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा कोई कार्बन है ही नहीं जिसके दो ग्रुप भी मतलब सारे ग्रुप अलग हो, और सारे मतलब डबल बॉन्ड वाले कार्बन काउंटेड नहीं होते, आप ये कहो सर ये देखो इसके भी तो इधर ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है और ये वाला ग्रुप अलग है, बट अगर डबल बॉन्डेड कार्बन है तो वो कायरल नहीं बनाएगा, समझ में आ गया बेटा सबको, वो सिर्फ सिंगल सारे चारों सिंगल बॉन्ड होने चाहिए और चारों ग्रुप अलग होने चाहिए तभी कायरल बनेगा और तभी ऑप्टिकल आइसोमर बनेगा, तो यहाँ पर ऑप्टिकल ऑप्टिकली एक्टिव कैसे होगा फिर एक मिनट बताना, क्या बेटा ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं ना ये, अगर कायरल कार्बन नहीं है तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, दिस इज नॉट ऑप्टिकली एक्टिव, तभी होगा ऑप्टिकली एक्टिव जब कम से कम एक कार्बन ऐसा हो जिसके चारों ग्रुप अलग हो, तो मान लो मैं इसको यहाँ पर क्लोरीन कर दूं, अभी ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया क्योंकि इसके चारों ग्रुप अलग हैं, तो इसके अंदर क्या बनेगा भाई, इसके आइसोमर बनेंगे दो और बन जाएंगे फिर इसके, है ना, तो इसके दो बनेंगे ना, हाँ एक के दो बनेंगे ऑब्वियस, इसका एक और भाई होगा ना दूसरा, यस सर, इसके जैसा वो, क्लियर है बेटा सबको, तो दो है इसके ज्योमेट्रिकल और एक है इसका, और जीरो है इसके ऑप्टिकल, ठीक है, दैट इज द, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंट्रोपी इन द आइसोलेटेड सिस्टम विद द पीवी, सर ये छोड़ दिया,
छोड़ दिया था, ठीक है स्किप कर दिया था ना, ये तो मैंने भी छोड़ा था। 1 2 3 क्या कह रहा है ये, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है क्या? विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, एंट्रोपी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम पीवी वर्क्स ऑलवेज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम, द पॉसिबल द इट इज पॉसिबल टू एंट्रोपी ऑफ द क्लोज सिस्टम इंक्रीजेस सबस्टेनली इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस इररिवर्सिबल प्रोसेस विदाउट द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल एजेंसी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड, स्पॉन्टेनियस को रिवर्स नहीं किया जा सकता एक्सटर्नल एजेंसी के बिना, ये वाला तो सही होना चाहिए है ना, सिंपल है ये तो। और किसी ने कहा था कि जब भी सिली मिस्टेक करे उससे सिली मिस्टेक ना कहा करो, बोला करो कि मैंने ब्लंडर किया है, एक ही बात है, कोई खास बात नहीं, बोलने से या सोचने से कुछ नहीं होने वाला, सिली मिस्टेक को ठीक कैसे करें? सर ब्लंडर मतलब बहुत बड़ी गलती कर दो है ना, उल्टा काम, एक ही बात है। तो देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क किससे पड़ता है वो बता देता हूँ, आप उसको करेक्ट करने के लिए क्या करोगे, दैट इज द पॉइंट। तो करेक्ट सिली मिस्टेक को करेक्ट कैसे किया जाता है, करेक्ट करने का तरीका है, आप अगर ऐसा कर रहे हो तो हर क्वेश्चन पर 10 सेकंड का टाइम थोड़ा सा सोचने के लिए ज्यादा लगाओ, थोड़ा सा रुकिए, स्टॉप। अब स्टॉप करने पर तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी भाई, इसका मतलब है कि जब आप कुछ कुछ रुकना शुरू करेंगे तो गहराई से चलना शुरू कर देंगे और फिर कुछ ही दिन में वो स्पीड वापिस आ जाएगी, 1-2 दिन में, ज्यादा टाइम नहीं लगता उसमें है ना, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा ठीक होने लग जाएंगे। चलो तो भाई इसको डायरेक्टली आंसर को देखते हैं, तो यहाँ पर ए स्टेटमेंट है, ए इज द राइट ऑप्शन, 1 2 3 तीनों ही गलत है, अब स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, तीनों सही है, सॉरी 1 2 3 है ना, 1 2 3 तीन स्टेटमेंट सही है। तो स्टेटमेंट 1 बोलती है आइसोलेटेड वर्क ऑलवेज मैक्सिमम एट इक्विलिब्रियम, पर वर्क डन मैक्सिमम होता है आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, ये याद रखने वाली स्टेटमेंट है। पॉसिबल टू एंट्रोपिक क्लोज सिस्टम डिक्रीज सब्सटेनली इन एयर इररिवर्सिबल प्रोसेस में, ये भी याद रखने वाला है। डेल्टा सिस्टम जीरो रिवर्सिबल प्रोसेस इन एन आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम इज जीरो, डेल्टा एस की वैल्यू जीरो होती है आइसोलेटेड रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। सारी स्टेटमेंट याद रखने वाली है क्या? 1 2 और सीधा फोर्थ स्टेटमेंट दे दी इसने, ऑप्शन दिया है, इसमें प्रिंट गलत नहीं हो गया ये? हाँ ये गलत हो गया था, अब स्टेटमेंट इज सेकंड फोर्थ आएगा शायद ए में कुछ। देखो विदाउट द हेल्प ऑफ द एक्सटर्नल एजेंसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैन नॉट बी रिवर्स, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को रिवर्स करना चाहिए, ये वाला सही ऑप्शन 1 2 3 आएगा। तो वहां पे फोर्थ गलती से चला गया है, फोर्थ गलत है, 1 2 3 1 2 3 तीसरा ऑप्शन ही है बेटा, ठीक है फोर्थ वाला गलत है। yes, आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डायरेक्ट इनफिनाइट सर, 100% होता ही नहीं है, ऑर्डर 50% है और हाउ मच टाइम इट विल 100% कंप्लीशन, 100% नहीं होता, 99.9% होता है, इनफिनाइट है ना, इनफिनाइट है, सबको आता है, यस सर, यस सर, ठीक है चलो ये पता है सबको, ये इनफिनिटी आएगा, वैसे इसने निकाल के दिखा रखा है बस कुछ नहीं कर रहा, बकवास। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द केमिकल, ये मैच वाले बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, इसमें दो भी पता लग जाए तो आंसर आ जाता है लगभग सामने है ना सर, लेकिन ये वैसा नहीं है, मैंने बहुत ट्राई किया इसका लेकिन मेरे को चारों पता करने का था तभी आंसर आया इसका, चारों से पता लगा, चलो ठीक है, हाँ कभी कभी चारों भी करने पड़ते हैं, अमन ने स्किप कर दिया इसको, कोई बात नहीं बेटा देखते हैं जरा क्या कह रहा है, क्लोरीन हटाकर डबल बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। सबसे पहले तो BH3 में एंटी मार्कोनी को प्रोडक्ट ढूंढना था BH3 के लिए, ठीक है BH3 के लिए, वो भी OH हटाकर डबल बॉन्ड लग रहा है, सही है, OH यहां से भी हटेगा, डबल बॉन्ड हटाकर OH लग रहा है, यहां OH लग रहा है, एक में ऊपर लग रहा है एक में नीचे लगा, इथाइल ब्रोमाइड क्या हो रहा है, सुनो हाँ अच्छा 1 2 3 4 PQRS है, बताओ भाई क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। सर सबसे पहले तो एंटी मार्कोनी को प्रोडक्ट ढूंढा एस वाला जो है BH3 तो, के लिए यस सर, एस का और उसे एस को 4 से मैच कर दिया था, जिसके पास एंटी मार्कोनी क्या कहते हैं, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन वहां पर OH जुड़ेगा, यस सर, एक ही हाइड्रोजन है इसके पास और इसके पास तो हाइड्रोजन नहीं है, 1 2 3 4 इसके पास तो हाइड्रोजन ही नहीं है, यही जुड़ेगा OH जुड़ेगा फिर है ना, OH ना जुड़ेगा बस बात ही खत्म है, और उसके बाद ऊपर वाले में क्या हो रहा है इसमें सर, इसका फर्स्ट उसमें मार्कोनी को हो रहा है, इसका फर्स्ट है इसमें हाइड्रोजन फर्स्ट होगा सर, मर्कुरेशन वाला था ना, हां ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन ऐसे कुछ था, ये मर्क्यूरेशन, हां सर, यस सर, ये तो बोरो मर्क्यूरेशन भी तो था BH3 के साथ, बोरिक एसिड बन गया,
बोरो मर्क्यूरेशन। तो फिर कंफ्यूज कितने बच्चे कंफ्यूज थे इस क्वेश्चन के अंदर? नहीं सर ये तो हो गया था सर, हो गया था सर, आसानी से हो गया था। चलो ठीक है, फिर लगभग सबने जिसने हमें गलत कर दिया था। ठीक है अजय, ये बाकी सब बच्चे ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। चलो फिर देखते हैं इसका सीधा आंसर, देख लेते हैं आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। NaO इथाइल के साथ E2 मैकेनिज्म होता है, डबल बॉन्ड बनता है। ETBr के साथ SN2 मैकेनिज्म होता है, OET जुड़ जाता है। मर्क्यूरेशन मर्करी के साथ में O इथाइल क्या बोलते हैं एसीटेट आयन, ठीक है, विद मर्करी NaBH4 बाद में हाइड्रोजन देंगे, OH यहां पे जुड़ जाएगा, मार्कोनिक ऑफ एडिशन यहां होने वाला है। जिसके पास कम हाइड्रोजन है यानी नहीं है या कम है उसके साथ जुड़ेगा। और नेक्स्ट वाले के अंदर, नेक्स्ट वाले में BH3 के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, OH इस जगह पर जुड़ेगा, वो उल्टा हो जाएगा। मार्कोनिकोव के एंटी मार्कोनिक, यहां एंटी मार्कोनिकोव सर, ये एंटी मार्कोनिकोव एडिशन टू हाइड्रोक्साइल ग्रुप, ये एंटी ऑक्सीडेंट वो लगेगा। बस चारों रिएक्शन है सीधी सीधी याद होनी चाहिए, बस क्लियर है बेटा? यस सर। ये बेस का काम करता है, NaO इथाइल बेस का काम करेगा, H लेके जाएगा, कहां से H लेके जाएगा, बस ये देखना आपको। ये कार्बन है, नहीं समझ में आ रहा ना किसी को, यहाँ कार्बन कार्बन लगा लो, ठीक है। तो इस कार्बन की चारों वैलेंसियां पूरी हैं, तो हुआ क्या अब यहाँ पर, तो 1, 2, 3 और 4 कोई एक कार्बन होगा जिसके साथ यहाँ डबल बॉन्ड बना दोगे तो वो भी ऐसा ही बन जाएगा, किसी के साथ भी बना दो इसको तो वैसा ही बन जाएगा। सर पीछे वाले के साथ ही हो गया, बस वो हट गया ध्यान से। हाँ, बस क्लोरीन हट गया और वहां पर किसी के साथ भी ये कार्बन है, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दो, कहीं पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो चाहे यहाँ लगा दो, 3D में तो वो एक जैसे ही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम SiF4 पॉजिटिव, आयंस आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, द रेडियस सर ऑप्शन ए सर, ए सर सीधा सीधा कट जाएगा, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या होता है? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सेम है नंबर, हाँ इलेक्ट्रॉन सेम है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम है और फिर उनकी क्या बोलते हैं उसको, वो क्या होगा न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज पर डिपेंड करेगा है ना। तो भाई द आयनिक रेडियस, तो सबसे ज्यादा रेडियस किसकी, सबसे कम किसकी, सबसे ज्यादा होगी जिसका चार्ज सबसे कम है, सोडियम नंबर 2 है, ये 3 है और ये 4 पॉजिटिव है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो ऑब्वियसली 4 पॉजिटिव चार्ज वाला ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो उसकी रेडियस कम हो जाएगी, ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। यस आगे बढ़ते हैं, इन्होंने क्या दे रखा भी, टेबल भी दे रखी, अच्छा ये प्रोटॉन नंबर बता रखा है लंबा चौड़ा करके, चलो ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से सर ऑप्शन ए सर, इसका एक बार मतलब मेरे को रीजन बता देना क्योंकि मतलब मुझे समझ नहीं आता है ये। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है सर, मुझे तो सी गलत लगा था फिर मैं किया नहीं, क्या मतलब गलत गया, समझ गया। तो ए है कॉपर सल्फेट रिएक्ट KCN कॉपर डाई कॉपर, सैंडमेयर्स रिएक्शन की तरह लग रहा था बिल्कुल, अगर बनाना चाहे तो CuCl2 कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद आयोडीन इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव Cu2I2, आयोडीन के साथ रिएक्शन करके Cu2I2 बनाता है। यस सर ये सही है बिल्कुल बनाता है, कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद NaOH एंड ग्लूकोज इन एक्वस मीडियम टू गिव कॉपर ऑक्साइड, सर ये थोड़ा थोड़ा फैलिंग और कॉपर सल्फेट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग गिव कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें से गलत कौन सा, देखो भी पहली बात तो चारों रिएक्शन याद होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए अगर गलत है तो कैसे हम उसका आइडिया लगाएंगे आपको, एक सर कॉपर CuCl2 बनाता है, उस CuCl2 नहीं बनाता KCl के साथ, हाँ ये कह सकते हैं वन ऑफ द रीजन। आपको अगर पता हो जो मुझे गैस लगता है, मैं अपने वाला बताता हूँ, वैसे तो रिएक्शन याद होनी चाहिए सीधी सी बात है, बट एक गैस लगा जाता है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन के अंदर ना, आपको पता हो KCl जो है वो साल्ट ब्रिज का काम करता होता है, ZnCl2 जिंक और यस, अगर वो रिएक्शन हमारा कॉपर क्लोरीन के साथ है ना Cu2 और Cl2 तो Cu2 पॉजिटिव ना रहता, Cu1 पॉजिटिव बनता फिर, और हमें पता Cu1 पॉजिटिव तो बनता ही नहीं रिएक्शन में, समझ में आया? Yes, sir. तो इसलिए Cu2Cl2 तो नहीं होना चाहिए, CuCl2 हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें वो रिएक्शन अच्छे से आती है और उसके अंदर KCl होता है, तो डेफिनेटली ये तो नहीं बनता उसमें, वन पॉजिटिव तो कॉपर बनता ही नहीं है यार, बात ही खत्म, उस सॉल्यूशन में तो नहीं बनता, इसलिए ए ही और रॉन्ग ऑप्शन होना चाहिए। वैसे लर्निंग बेस्ड है, मेमोरी बेस्ड है सीधा, तो ए इज द राइट ऑप्शन।
ये गिव ये देता है, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट फैलिंग सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट वाला गिव रेड प्रेसिपिटेट कॉपर सल्फेट हीटिंग के बाद ये देता है। अगला क्वेश्चन देखिए सर, सर इसमें थोड़ा टाइम लगा था लेकिन सी आया था इसका। अच्छा टाइम लगा था। और ये क्या है, द एलिमेंट एक्स एंड वाई कंपाउंड मॉलिक्यूलर फार्मूला है। बुक का ही था, एनसीईआरटी का। XY2 और XY4 बना था, बहुत नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दोनों इलेक्ट्रोलाइट नहीं yes, है। सर, 25 और 42 बेंजीन के अंदर डिसॉल्व कर दिया इनको। 1 ग्राम XY2 लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट 2.3 लोअर कर दिया, वेयर एज 1 ग्राम XY4 जो है लोअर करता है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट का लोअरिंग पॉइंट दे रखा है इन्होंने, इतना करता है तो इससे मोलर मास, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, बेंजीन का ग्रुप फ्लोर, दस द एटॉमिक मास ऑफ X एंड Y, मोलर मास से एटॉमिक मास निकालना है X और Y का, उसको लेट कर लो, x का x y का y लेट कर लो, दोनों का मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट पता है कि डेल्टा टी बी, सर इक्वेशन बना ली थी, x plus 3y is वो 2y is equal to इतनी, और x plus 4y, हां वो एनसीईआरटी का था बिल्कुल, ठीक है। दीपिका ने इसको स्किप कर दिया था, हरिओम का आंसर ही नहीं आया, समृद्धि ने रॉन्ग हो गया, यश का स्किप आल्सो, यश ने भी स्किप कर दिया, ठीक है। सर कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लग रही थी, सर मैंने सोचा था बाद में करूंगा इसको बैठ के, और बाद में देखिए ऐसे क्वेश्चन जैसे अभी दीपिका बोल रही है, यशवीर बोल रहे हैं। हां सर मैंने इनिशियली स्किप कर दिया था लेकिन फिर एंड में टाइम बच गया था केमिस्ट्री वाला, तो मैंने इसको अटेम्प्ट कर लिया फिर बस। हां वही चीज देखो, अब जैसे प्रणव बोल रहा ना, मैं यही चीज आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चन शुरू में देख के लगता है थोड़ा सा वैल्यू भरो और देखो नहीं यार नहीं जम रहा है ना, 10 सेकंड में पता लग जाता है भाई मोलर इलेवेशन कांस्टेंट और ये सब दे रखा है, तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, एक्स मानना पड़ेगा, इक्वेशन बनेगी और फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा है, तो आप उसको छोड़ने में फायदा, उसको बाद में देखना, कुछ और क्वेश्चन बढ़िया वाले किए जा सकते हैं उसकी बजाय, है ना। क्लियर है बेटा, तो स्किप किया, अच्छा किया, जिसको टाइम बाद में मिल गया वो मत्था मार सकता था। और यहाँ पर ये रहा इसका आंसर, ठीक है। देखो भाई टी एफ डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, के एफ इनटू गिवन मोलैलिटी, है ना, मोलैलिटी यानी के नंबर ऑफ मोल्स, और नीचे केजी में सॉल्वेंट होता है तो केजी की जगह मान लो जो भी वेट है सॉल्वेंट का, और मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, मोलर मास को डब्ल्यू से मल्टीप्लाई कर रखी है, ठीक है, और वेट जो था उसको 1000 से डिवाइड कर दिया ताकि वो केजी बन जाए, तो ये इक्वेशन ऐसे बनाई इन्होंने, ठीक है। तो इसको भर दिया, ये 2.3 था, हमें पता है कि 5.1 गिवन है, ठीक है, और Q by M इसकी वैल्यू दे रखी है, गिवन मास बाय मोलर मास कितना, 20 ग्राम दिया था, 20 ग्राम डाला yes, 1 ग्राम ग्राम है क्या सर, बेंजीन 20 ग्राम है, बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन 20 ग्राम है, तो 20 को 1000 से डिवाइड कर दिया, ये तो सीधा आ गया, तो गिवन मास बाय मोलर मास ही हमें निकालना है ना, ठीक है, गिवन मास 1 ग्राम दे रखा है, डिवाइड में मोलर मास किसका होगा, वो XY2 का होगा, ये फॉर्मूला XY2 का मोलर मास, यहां से हम मोलर मास निकाल लेंगे, XY2 का मोलर मास आ गया हमारे पास, ये समझ में आ गया सबको, XY2 का मोलर मास, सेम टू सेम, अब हम XY4 का मोलर मास निकाल लेंगे, XY4 का मोलर मास ये रहा, क्लियर है, ये ऊपर वाला अलग है, याद रखना, ठीक है, दिस वन इज डिफरेंट। तो नीचे जो है अब ये दोबारा से हमने स्टार्ट किया, और इसके लिए 1.3 TF की वैल्यू 1.3 थी, ये 5.1 5.1 ही रहेगा, ये 5.1 का 5 लगा दिया इसने गधे ने, 1 ग्राम ही दे रखा था, MXY4 है, और 100,000 by 20 दोनों को अलग अलग किया था, तो इससे MXY4 की वैल्यू निकाल ली। दोनों की वैल्यू आने के बाद अब क्या करें, अब मोलर मास कैसे निकालें, ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन था सर। यहाँ पे x का लेट कर लेते हैं, मतलब x है और y का लेट कर लेते हैं, y है तो सर x y 2 का हो जाएगा x plus 2y और x y 4 का जगह x plus 4y। हाँ ये x plus 2y और x plus 4y इनको सॉल्व करके ये इक्वेशन बनेगी, और सीधा फिर आप a या b की किसी एक की वैल्यू आ जाएगी तो दूसरे की वैल्यू निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सीधी सी बात है ना, yes. ठीक है, तो ये आगे वाला तो सॉल्व कर ही लोगे, एक को x और दूसरे को y, दो बार सॉल्व होगा याद रखना, और दो बार सॉल्व होने का मतलब भी आपको थोड़ा टाइम बेटर लगाना पड़ेगा, ऑब्वियस है, स्किप करने में फायदा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन साइनाइड विल ऑब्टेन बाय द मेजर प्रोडक्ट, ये बढ़िया है, सी ऑप्शन सर, सी सर, सी वाला, ठीक है, सबको सी लग रहा है, यस सर, लग कर रहा है, आधों को तो पता ही होगा ना, जो क्वेश्चन ध्यान से करते हैं तो पेपर अगर आपने पढ़ा है अच्छे से तो जब उसका आंसर आता है जो मैच जरूर किया करो, वही चीज मैं कहता हूँ कि उसे याद करो, उसी टाइम कोई नई रिएक्शन आती तो वही याद हो जाएगी।
तो सी के अंदर ऐसा क्यों भाई, P4H10 से क्या बनेगा, साइनाइड मेजर प्रोडक्ट बनेगा। यस सर, ये पता है P4H10 है ना, वो अकेला ऑक्सीजन CO को रिड्यूस करेगा, दूसरे में NaOH लगा हुआ है तो वो तो NaOH तो साइनाइड नहीं जोड़ने वाला इसके साथ ना। नो CN तो तीसरे में वो बनाता एलाइल क्लोराइड। क्या डी में ये क्लोरीन जुड़ेगा, उसके बाद एमाइन जुड़ेगा, ठीक है। देखो भाई यहाँ पहले वाला तो पक्के तौर पर बिल्कुल गलत है, पहला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो एमाइन का कोई नाम ही नहीं, तो साइनाइड के लिए सी और एन दोनों yes, चाहिए। इसमें सी और एन है, इसमें भी सी और एन है, और यहाँ पर सी है लेकिन यहाँ डाल रखा है ना, तो ये एक दो तीन नहीं बेटा ना, अमोनिया डाल रखा है, लेकिन डायरेक्ट अमोनिया से रिएक्शन करके वो कभी कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड थोड़ा बना लेगा अमोनिया रिएक्शन करके, ये पॉसिबल ही है। ये तो मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, तो ऑप्शन क्या बचा, बी। और देखो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हो ना, तो मेरा अंदाजा कहता है कि बहुत से क्वेश्चंस में हम दो ऑप्शंस में से एक अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 50-50 तो करी। सर तुक्का मत बोलो, इसमें भी मुझे काफी लॉजिक लगाना पड़ा, मैंने तुक्का नहीं लाया इसमें। अच्छा तो लॉजिक लगा, देखो अगर आता है लॉजिक लगाना बढ़िया, लेकिन अगर मान लो आपके पास फ्री टाइम है, ठीक है, तो अगर फ्री टाइम बच गया और आपको लगता है कि मुझे यार अब कौन सा क्वेश्चन उठाना चाहिए, तो ऐसा अगर कोई क्वेश्चन दिखाई दे जिसमें एक दो ऑप्शन सीधे सीधे गलत नजर आ रहे हैं, तो हम इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन सही है ये हमें पता लग रहा है, तो क्या करें, फिर आप रिस्क थोड़ा बहुत ले सकते हो एक दो क्वेश्चंस के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोलूंगा, लेकिन एक दो क्वेश्चंस के लिए अगर आपको लग रहा है कि यार चांसेस मेरे को कम सर, एक दो क्वेश्चन में वो बदल जाते हैं नंबर। नहीं नहीं, अगर आपको लग रहा है कि आपका क्वालिफाई हो रहा है टेस्ट, फिर तो पंगे ही मत लो, सीधी बात है बेटा, है ना। लेकिन अगर आपका क्वालिफाई नहीं हो रहा है और आपको पता है, तो आप अगर चांस लेना चाहो तो ऐसे क्वेश्चंस में चांस, कहने का मतलब समझिएगा, है ना, ठीक है। रोहित पूछ रहा पी फोर और सर, मेरे जैसे जिनको परेशानी आ जाती है तुक्के की तो हमारी भी है। स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है बेटा, वो पानी को उड़ा देता है, यहाँ से H2 गया, यहाँ से O2 ऑक्सीजन गया, ठीक है। तो ये रिएजेंट का काम करता है, जो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से अब इसको याद कर लेना, ये लाइन याद कर लेना, अगर ये लाइन याद हो गई तो फिर आपका आंसर सीधा सीधा समझ में आएगा, सीधा CN बढ़ गया, ठीक है, क्लियर है रोहित बेटा। Yes. Yes, sir. ठीक है, तो भाई आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरियस प्रोडक्ट फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फलाना फलाना धिमकड़ा, ये क्या, डाइमिथॉक्सीहेक्सेन 1 ओन, ठीक है। इसका वेरियस प्रोडक्ट फॉर्म ऑन ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन करना है तो कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे, पहला प्रोडक्ट दे रखा है, पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ठीक है। तो 2-5 कौन सा होगा ऑप्शन, आंसर बताओ भाई, आसान क्वेश्चन है वैसे भी, सर लग रहा था सी है सर, क्योंकि सारी प्रोडक्ट बन ही जाते हैं, सारी प्रोडक्ट बन जाते हैं। सर एक बार बता दो, मेरा गलत हो गया था, मेरा भी गलत था। 1, 2, 3, 4 ठीक है, किसी का सही हुआ था, मैंने सही सी वाला किया था, 1, 2, 3, 4 आपने चारों बना दिए, ठीक है। तो सर किया तो मैंने भी सी वाला था, ठीक है देखते हैं। तो सबसे पहले तो 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन 3-ओन, थर्ड कार्बन के ऊपर हेक्सेन, 6 कार्बन की चेन है, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 1, 2, 3, थर्ड कार्बन पर ओन लगा हुआ है, ठीक है। और 2 और 5 के ऊपर डाइमिथाइल है, 2 पर CH3 है और 5 पर CH3 है, CH3, ठीक है, ये तो क्लियर हो गया सबको, यस सर, ठीक है। तो ये तो हमारा मेन मतलब रिएक्टेंट है, अब रिएक्टेंट को हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन। तो याद है कीटोन की जब ऑक्सीडेशन होती है, तो मैंने बोला था ये कार्बोक्सिलिक एसिड में टूट जाता है, ये बॉन्ड टूटेगा, और ये बॉन्ड टूटने के बाद में कीटोन वाला ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ टूटने के बाद क्या बनेगा, ये डबल बॉन्ड ओ बन जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले ये, हाँ सर, वो सी डबल बॉन्ड ओ वाला ग्रुप छोटी चेन के साथ नहीं जाएगा, अगर ऑक्सीडेशन होगा तो दोनों की तरफ जाएगा कुछ कुछ परसेंटेज में, ओके सर, ठीक है, छोटी चेन के साथ जब जाएगा, जब मेजर प्रोडक्ट परसेंटेज में, वरना माइनर में, है ना। तो देखो दोनों की तरफ जाएगा, तो आप सारे प्रोडक्ट, अब यहां से आप सारे प्रोडक्ट बना सकते हो, सबसे पहले तो ये जाएगा यहां पर, डबल कैच कम है, क्या बेटा कैच कम है उधर, क्या कम है, सॉरी सर एक हाइड्रोजन कम है, हाँ हाइड्रोजन मैंने लगाया नहीं,
अरे लगाए नहीं है, इसके साथ भी नहीं लगाए, ठीक है ये लो, बाकी खुद सोच लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है तो भाई यहाँ से बॉन्ड तोड़िए, फिर यहाँ से बॉन्ड तोड़िए, ठीक है इसको COH पूरा बना दीजिए, एक दो तीन चार, चार कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या ऐसा कुछ बन रहा हमारे पास चार कार्बन, जिसमें ये वाला CH3 दूसरे कार्बन पर हो, तो ये पहला तो यही बन रहा है, तो इसका मतलब ये वाला यहाँ से टूट रहा है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है, बन गया, क्लियर है? फिर उसके बाद इसमें और इसमें क्या फर्क है भाई, एक और CH2 लगा दिया सर, ये बड़ी वाली साइड से तोड़ दिया, और ये एक दो तीन चार, दोनों चार चार कार्बन की चेन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है एक दो तीन चार, चार कार्बन ये नहीं तीन, ठीक है तीन के सर ऊपर वाला बड़ी वाली साइड से टूटा होगा, ऊपर वाला कौन सा, ये तो ठीक है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ इस सेकंड वाले की, ये कैसे बनेगा भाई सर, ये मतलब जैसे आप तोड़ रहे थे अभी वैसे ही टूटा है, काट दो यहां से बन जाएगा, नहीं सर नहीं, जहाँ पे एक हाइड्रोजन है वहां पे, हाँ यहाँ से टूट गया, एक दो तीन चार, हाँ ठीक है ये बनेगा, ये वाला वो बन गया, और ये तीन वाला एक दो, यहाँ तो तीन आ ही नहीं रहे, तो इसको यहाँ से तोड़ेंगे तो ये बनेगा, ठीक है ये पहला ये बनेगा, समझ में आ गया जी सर? हाँ भाई सबको समझ में आ रहा है क्या? यस सर, यस सर आ गया, पहला ये तोड़ेंगे, फिर दूसरा कौन सा तोड़ेंगे, दूसरा यहाँ से तोड़ेंगे, यहाँ से तोड़ेंगे तो ये पूरा का पूरा ये है, ये वाला ये है, ठीक है क्लियर है? अब उसके अलावा दो कार्बन वाला कैसे बनेगा और एक कार्बन वाला कैसे बनेगा, तो याद रखना जब ये यहाँ से टूटेगा तो ये वाला एक पहले कीटोन बन जाएगा, और ये कीटोन फिर से टूटेगा तो क्या होगा, ये दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा, ये समझ में आया? दोबारा जब यहाँ से टूटेगा तो ये कीटोन एसीटोन बना, फर्स्ट कीटोन एसीटोन, नेल पॉलिश रिमूवर जो लगाते हैं उनको तो याद रहेगा, पहले ये बनेगा, सही है, ठीक है उसके बाद फिर कीटोन को फर्दर तोड़ देता है ऑक्सीडेशन, तो ये वन कार्बोक्सिलिक एसिड वन चेन वाला बनता है, और ये वाला जो है ये फिर दो वाला बन जाएगा, ठीक है, और ये वन वाला जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, याद है ये मैंने करवाया है ना, तो बस फिर ये वो वाले रिएक्शन होती है, तो चारों बन सकते हैं, बिल्कुल चारों बन सकते हैं, yes. 1, 2, 3, 4, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस देख लीजिए भाई, चारों बन रहे हैं, किसका ऑक्सीडेशन करके किसको कैसे तोड़ा हम बात कर चुके हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ ये वाला इसने कीटोन से ही तोड़ा है, एसीटोन फर्स्ट कीटोन इसी से तोड़ रखा है, ठीक है, yes, sir. ठीक है अब आगे बढ़ते हैं, द रेट ऑफ द रिएक्शन इज डबल व्हेन एवरी 10 डिग्री राइज, ये वाला तो कल ही नहीं करा था, नहीं नहीं सर आपने मतलब आपने वो बताया था ना टेम्परेचर कोफिशिएंट के बारे में, वैसा ही कुछ है। यस सर ये क्वेश्चन आया था यार कहीं, पता नहीं मेरे को PYQ में आया था सर, जब आप पढ़ा रहे थे तब आया था केमिकल काइनेटिक्स, तब आया था, वैसे इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं एवरी 10 डिग्री के साथ, हां शायद यशवीर ने गलत किया था, मैंने कहा था हर 10 डिग्री पर डबल कर दो रेट को सर, नहीं मैंने फॉर्मूला जो बता रहा था ना, आपने बोलता कि फॉर्मूला दूसरा है, वो अलग था यार टेम्परेचर कोफिशिएंट वाला, ये अलग है सर, नहीं मतलब हर 10 डिग्री के बाद चेंज हो रहा था ना K2 by K1 बराबर, डबल हो रहा हर 10 डिग्री के बाद, ठीक है चलो जैसे भी है, आंसर बताओ मेरे को इसका सर, बी सर 512 बी सर, बी 8 गुना 16 गुना 32 गुना 64 गुना 128 गुना 256 गुना 512, कितने बार पावर बनी दो की, दो दुना चार दुना आठ, दो की पावर आठ सर, दो की पावर नौ, नाइन नौ बार, 100 तक पहुंचाना है तो 9 बार वो डबल होगा है ना 10 से, यस सर, तो मतलब कैसे क्या बताना, एक मिनट ये समझ नहीं आया, चलो मैं बता देता हूँ, ओके देखो ये क्या कह रहा है, द रेट इज डबल्ड एवरी 10 डिग्री ऑफ राइज, इंक्रीज इन द रेज एज ए रिजल्ट टू इंक्रीज इन टेम्परेचर फ्रॉम 10 to 100, तो देखो भाई सीधी सी बात है, ये 10 डिग्री था, 10 से मैंने 20 कर दिया, रेट कितना हो गया, रेट हो गया डबल, ठीक है मल्टीप्लाई हो गया, फिर 20 से मैंने 30 कर दिया, ठीक है तो रेट कितना होगा, रेट जो है इस डबल का डबल होगा, ठीक है फिर उसके बाद में 30 से मैंने 40 कर दिया, ठीक है तो रेट क्या होगा, ये जो दो बार लिखा हुआ इसका डबल हो जाएगा, एक और दो आ गया, फिर रेट मैंने 40 से 50 कर दिया, फिर से क्या आएगा, ये तीन है पावर 4 हो गया, ठीक है फिर रेट 50 से 60 कर दिया तो 2 की पावर 5 आ गया, फिर 60 से 70 कर दिया है ना, 60 से 70 2 की पावर
सिक्स आ गया, फिर 70 से 80 कर दिया, 2 की पावर 7 आ गया, ठीक है, फिर 80 से 90 कर दिया, 2 की पावर 8 आ गया, और फिर 90 से 100 कर दिया, 2 की पावर 9 आ गया। आ गया? Yes, sir. आ गया समझ में? अमन पूछ रहा था या अजय? सर अजय, 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 ठीक है, ठीक है भाई, चलिए तो एक मिनट, ठीक है, तो ये देखिए 2 की पावर 9 इंटू रेट, रेट मल्टीप्लाई में ध्यान दे लेना, ठीक है बेटा? यस सर। सीधा भी निकाल सकते हो, वैसे इन्होंने एक और चीज दे रखी है, ये कुछ ऐसा कुछ ये भी दे रखा है, रेट जो है वो एवरी 10 डिग्री के साथ में, तो रेट कांस्टेंट जो है इक्वल टू 2 डबल हो जाता होता है, ठीक है, इसके हिसाब से, ये तो खैर सीधा एक वो चीज दे रखी है, बट निकालना यहीं से पड़ेगा आपको सीधा 2 की पावर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग, तो ये करेक्ट ऑप्शन निकालना फॉलोइंग के अंदर, सीओ स्टेबलाइज द प्रेजेंस ऑफ वीक फीगल फील्ड लिगेंड, भाई बड़ा आसान था, डी वाला ऑप्शन था, मुझे बता दो ये कितने बच्चों ने नहीं करा? नहीं सर ये तो किया था, सही ये तो किया था सर, ये सबको करना चाहिए, ठीक है, सबका डी आ रहा है, यस सर, सबके करने के लायक था, मैं इस ऑप्शन सर मैं इन वाले चैप्टर के क्वेश्चन छोड़ना तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करती, बहुत रेयर चांस होते हैं कि ये गलत हो, बिल्कुल बिल्कुल रेयरली ऐसा ऑप्शन बी था इसका, बड़े आसान को सही सी है ना, क्या अमन सी था, ऑप्शन डी तो गलत है, नहीं आएगा गलत है बेटा, डी होगा, डी डी इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल देखो डी गिर गया, प्रॉब्लम इंक्लूड द सी CFSC, CFT को include करे, CO, CO3 positive, 2 positive में निकल के साथ में क्या कुछ कैसे बनेगा, बोर मैग्नेटोन 0 आने वाला है, कैसे आने वाला, भी अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है, यस सर, समझ गए, उसी से निकालना था बस, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में, कर लोगे या समझाऊं इसको, बताओ, कर लेंगे सर, अजय अजय अजय, ओके सर, कर लोगे ना, ठीक है, आंसर देखना, अगर कह रहे हो तो बता देता हूँ बेटा, नो वरी, शर्माने का नहीं, सीधी सी बात है ना, बिल्कुल, कुछ पूछोगे तभी सीखोगे, याद रखना, हो सकता है कि हमारे को बहुत कुछ आता हो लेकिन कोई एक सिली सी छोटी सी मिस्टेक हमें ना पता लगती हो, उनको पूछ लेना, घबराना नहीं, ठीक है, क्योंकि अगर वो आ गई तो ये क्वेश्चन दोबारा गलत नहीं होगा ना, द लेंथ एनोइड कॉन्ट्रैक्शन रिस्पांसिबल फॉर द फैक्ट, डी वाला सर, ये तो याद कर रखी थी, ये तो सर याद कर, यस सर, कंसीक्वेंसेस दे रखा क्या इसका, बस ठीक है, डी आंसर है, तो दस से तो बहुत ज्यादा होती है इसमें, ये तो गलत है, यस सर 10 तो बिल्कुल नहीं होती, आइडेंटिफाई द करेक्ट, अच्छा करेक्ट वाली ढूंढनी थी, 2 को छोड़ के बाकी सारी करेक्ट है, ठीक है, पॉलीसैकेराइड आर मेड ऑफ मैनी शुगर, सर बाकी सारे ऑप्शन वहीं से गलत हो गए ना, पॉलीसैकेराइड्स आर फाउंड एज ए पार्ट ऑफ द एसिड इन सॉल्युबल पैलेट, फाउंड टू पार्ट ऑफ ए एसिड इन सॉल्युबल पैलेट, इसका क्या मतलब है भाई, थर्ड पॉइंट का सर, इससे मैं कंफ्यूजन हुई थी, इस वजह से आंसर गलत हो गया, अच्छा राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड एंड लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड, पॉलीसैकेराइड चेन में राइट एंड, ये तो सही है सर, सही है ये, ठीक है ये वाला सही है सर, इसके बारे में एक्सेप्ट टू छोड़ के सारे सही थे, तो देखो दूसरे वाला गलत दिखाई दे रहा है, तीसरे वाला अब हमें कंफ्यूजन है तीसरे में, है ना, तो अगर क्वेश्चंस देखें यस सर, ओनली 1 एंड 4 ये क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द करेक्ट 1 एंड 4 तुम्हें पता 1 सही है, फोर्थ सही है बिल्कुल है, तो दूसरा और तीसरा ये हमें गलत हो सकते हैं ना, तीसरा दूसरा तो पक्का गलत है, yes, तो तीसरे पे कंफ्यूजन है, तो सी वाला ऑप्शन लगा के आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो सर, सी लगाया था गलत हो गया, हां समझ गया, नहीं सर ये जो पॉलीसैकेराइड है ना ये इनसॉल्युबल एज अ सर्फेसेंट काम करते हैं, पॉलीसैकेराइड फाउंड एज अ पार्ट ऑफ एसिड इनसॉल्युबल पैलेट, एसिड में इनसॉल्युबल होते हैं क्या, चीनी एसिड में नहीं घुलती क्या, रिएक्शन कर लेती है यार उससे चीनी, ये इनसोल्युबल पैलेट का मतलब क्या है, अंडर द क्लास ऑफ मोनोसैकेराइड, डोंट नो भाई इसमें आंसर डाइसैकेराइड हो गया ना, ओनली स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो सैकेराइड पॉलीसैकेराइड चेन राइट एंड का रिड्यूसिंग, इससे पहले क्या था, सेलुलोज हैविंग मोर देन 10 मिनट,
दूसरी वाली लाइन देख लीजिए, उसमें शायद एसिड इनसॉल्युबल के बारे में बताया। मैक्रोफॉर्म पार्ट ऑफ द रेंटेंटेड एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन होता है इसमें। मैक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्म द पार्ट ऑफ एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन व्हेन ए लिविंग टिश्यू इज ट्रीटेड विद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ये वाली कहानी भी कुछ कुछ बायोलॉजी से मैच करती है सर। ये तो बायो का सवाल मैथ में दे दिया सर। बायो बेटा, बायोकेमिस्ट्री भी आपके थोड़ा बहुत आती है ना, बट आई एम नॉट गेटिंग दिस वन कि ये क्या कहना चाहता है, मुझे तो खुद नहीं समझ में आया भाई। ये क्वेश्चन तो मैं भी स्किप कर देता क्योंकि मेरे को ये क्वेश्चन नहीं समझ में। तो मुझे है ना बायो मॉलिक्यूल चैप्टर बिल्कुल भी नहीं पसंद, बट ऐसा क्वेश्चन है ना पहले कहीं देखा था तो देखो। चलो बहुत बढ़िया बेटा, लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, ये क्वेश्चन क्यों स्किप करते इस लाइन का मुझे सर, मैं समझ गई थी, मैं भी खुद यहीं घूम गई थी, बट ऐसा मैंने पहले किया था ना तो याद था। अगर ये कुछ कहता ना कि वो सोल्यूबल होते हैं कि नहीं होते, ये ना ये तो समझ में ही नहीं आ रहा कि ये कह क्या रहा है ना। तो डेफिनेटली बात है, जो चीज नहीं समझ में आती ना उसको छोड़ने में फायदा होता है। ठीक है सारी सर, अगर मैं तुक्का मारता भी तो वो हमेशा ही गलत होता, तो फिर मैं क्या करता। देखो अगर किसी के आगे पीछे रोल नंबर में यशवीर आ जाए ना, तो उससे पूछना कि तू कौन सा तुक्का मारता भाई, बस मेरे को ये बता दे, और उसको कभी मत करके आना। सही है। तो आंसर होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है सर। मतलब देखो सही लगाने के बावजूद वो तुक्का मार कर लेते हैं। चैलेंज देता हूँ, तू 50 सवालों में तुक्के मार, तू यकीन मान कि तेरे 10 से ज्यादा सही जाएंगे। ठीक है, क्योंकि लोग गलत याद करते हैं, प्रोबेबिलिटी हमेशा सही खेलती है। भाई किस्मत ही खराब हो ना बेटा, ऊंट पे बैठे छोटे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है, याद रखना। ये मेरे से हो रहा है सर, इसमें कौन सा लगाना था इसमें समझ में नहीं आया। अरे बेटा वो थर्ड वाला ऑप्शन है, मतलब ऑल एक्सेप्ट टू, सेकंड वाला जो है वो गलत है, बाकी सारे सही है। ठीक है, सेकंड वाला गलत, थर्ड वाला हमें समझ ही नहीं आया, तो भाई सी ऑप्शन भी हो सकता था, बी ऑप्शन भी हो सकता। अकड़ बकड़ लगाना था तो यशवीर से पूछ लेते कि भाई सी सही है या बी, तो यशवीर बताता सी सही है तो आप बी लगाए। हम बी लगा के आते सही। बंदा वो वाला टक के बैठा था सर जी, वैसे अब मैं भी यही करने वाला हूँ। अरे आपका तो ना, आपको भी सी सही है और फिर बी लगाओगे ना, तो आपका बी वाला ही गलत होगा, याद रखना। इसका कोई इलाज नहीं है, है ना? वोट वाले का जवाब है सर, बंदा वोट पर अटक के बैठा था और बदनाम फिर किस्मत को कर रहा था। चलो आप ऐसा कह सकते हो, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कि भाई वैल्यूएबल टाइम क्या है, माहौल क्या है, सब कुछ माहौल पर डिपेंड करता है बेटा। हम इस बारे में अगर लॉन्ग डिस्कशन चल सकती है कि किस्मत कैसे काम करती है, आपका माहौल कैसे काम करता है। मैंने ऐसे ऐसे देखे हैं बहुत अच्छे होते हुए भी बहुत गलत जगह पर बैठे हैं लोग, और उन्होंने ऐसा नहीं कि एफर्ट्स कम किए, बट उनका माहौल ऐसा है कि आप वो वहां से निकल ही नहीं सकते। सिंपल सर, किस्मत मैटर करती है, ये तो हकीकत है। बिल्कुल, देखो माहौल बहुत मैटर करता है बेटा। अगर आप माहौल की बात करो ना, आप एक चीज बताओ, आप अगर मैं मेरे को ये बोलो कि हमने देखे हैं बेचारे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, मेरे को आज भी याद है, मैं बीएससी में कॉलेज में जा रहा था, बीएससी क्लास के अंदर था, कॉलेज में जा रहा था, मेरे हाथ में नोटबुक थी, पेन जेब में था, ऑब्वियस है एक नोटबुक में ही हमें नोट करना होता सारा कुछ जो भी था। मैं जा रहा था और मेरे को सामने गली से पैदल जाता था मैं, 2.5 किलोमीटर दूर था मेरा कॉलेज, गर्मियों के दिन थे, मुझे बहुत पसीने आ रहे थे और मैं सिर से ऐसे बार बार पसीना पोंछ रहा था, तो मुझे सामने से एक लड़का नजर आया, ठीक है 7-8 साल का मुश्किल से लड़का होगा, वो बनियान डाले हुए, बनियान और नीचे एक पैंट थी बेचारे की गंदी सी, और यहाँ कंधे पर उसने टायर लटका रखा था, टायर, और हाथ में उसके डोलू था, ठीक है मग या जो भी कलो बर्तन था, और वो शायद चाय वाय कुछ लेके जा रहा था। ठीक है, मैंने उसकी तरफ देखा और फिर मैं सोचने लगा, मैं क्या यार इस बच्चे को मैं कैसे कह दूं कि ये बच्चा आगे जाके जीनियस बन जाएगा इसमें, या बहुत अच्छा साइंटिस्ट बन सकता, हो सकता है ये बेस्ट ब्रेन हो दुनिया का, लेकिन क्योंकि इसका माहौल ही इतना गंदा, ये पढ़ ही नहीं पाएगा यार, इस उम्र में ये काम कर रहा तो आगे जाके सच में पढ़ लेगा क्या? वो पढ़ नहीं पाएगा बेटा, माहौल बहुत बड़ी चीज है ना, अब वो पढ़ ही नहीं पाएगा तो सर, आप अपनी तरफ से हार्डवर्क कर सकते हो, बट बाय चांस कुछ ऐसा हो जाए, कर सकते हैं। देखो एक बात बताता हूँ, एक बड़ी अच्छी बात बताऊंगा आपको, ध्यान रखना,
आप मेहनत करने से ना मंत्री तो बन सकते हो, लेकिन राजा बनना आपके हाथ में ही होगा। क्योंकि अकबर राजा था, उसके पास बहुत अच्छा दिमाग भले नहीं था, बीरबल उसका मंत्री था, समझ में आया, जो कि वो जीनियस कहलाता था। ये याद रख लेना बेटा, जीनियसनेस जो आपको मंत्री तक तो ले जाएगी, बट राजा बनना आपके भाग्य के ऊपर, आपके माहौल के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम ये कहें कि बीरबल को अकबर का गला काट देना चाहिए क्योंकि तू मूर्ख है, मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ, आई एम मच मोर एबल देन यू, ऐसा वो कर नहीं सकता था बेटा। उसके पास ऐसा माहौल, बीरबल ऐसा कर भी देता तब भी कोई गारंटी नहीं थी कि राजा बनता, क्योंकि बीरबल का भी गला काट दिया जाता, शायद अकबर भी खत्म होते, बीरबल खत्म कर देते। हाँ, उसके दरबारी उसको उड़ा, वही मैं कह रहा हूँ ना, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर हिम ना, लाइक दैट। चलो अब अपने क्वेश्चंस करते हैं। रेजिस्टेंस जो है 0.2 मोलैरिटी का रेजिस्टेंस ने दे रखा है, 0.2 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है और रेजिस्टेंस 50 ओम है, और वो कह रहा है इतना उसका कंडक्टेंस है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इफ द रेजिस्टेंस 0.4 हो इलेक्ट्रोलाइट का सेम, उसका रेजिस्टेंस इतना हो जाता है, मोलर कंडक्टिविटी कितना होगा इनमें, एन इंटू एन की वैल्यू निकालनी है, 4N की वैल्यू निकालें, नोट N, ठीक है। सीधा सीधा फॉर्मूला लगेगा, आई थिंक करके आए सारे बच्चे, ठीक है। तो सीधा भाई सेल कांस्टेंट इनटू जो भी फॉर्मूला आपके सामने, कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है, और उसको फाइंड आउट कीजिए, लास्ट में N की वैल्यू आ जाएगी 25, 4N इक्वल 25 है ना, N की वैल्यू 6 आ रही है, तो 4N 24 और 25, पूरा 25 आएगा, ठीक है, क्लियर है? यस सर, ठीक है। अर्चना ने स्किप कर दिया, तो कोई बात नहीं बेटा, अभी आप इसका फॉर्मूला चेक कर लो और इसको फाइंड फॉर्मूले से उसके बाद इसको करने की कोशिश जरूर करो। आसान ही था, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं था। आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट क्यू, सर मैंने ये स्किप किया, ये वाला क्वेश्चन सर ये वाला आता था, लेकिन मतलब इसका मतलब इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन कर दिया था, इसका आंसर 18 आ रहा था वैसे। हां सर, 5 ही करने होते हैं ना, तो इसलिए छोड़ दिया। ठीक, कोई बात नहीं, अगर आपने छोड़ दिया तो इसे बाद में जरूर करना चाहिए, ठीक है, अगर आपके बाकी के ऑप्शंस सही थे। आइडेंटिफाई द टोटल नंबर ऑफ द एटम्स क्यू गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट क्यू, सर एटम्स प्रोडक्ट क्यू में कितने एटम होंगे, ठीक है, क्वेश्चन ये प्रोडक्ट क्यू में कितने एटम होंगे, तो प्रोडक्ट पता लग गया तो एटम पता लग जाएंगे। ये क्या है, NaNH2HCl, क्या बनेगा, डायजोनियम, डायजोनियम को कॉपर साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे, साइनाइड जुड़ जाएगा, फिर वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में NaOH यानी बेस, और ये सर बेंजीन बन जाता है, ये क्या होता है, ये क्या बोलते हैं इसका नाम था ना, सोडा लाइम, सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाते हैं, फर्दर क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं एक्सेस के अंदर, तो सीधा सर गैमेक्सीन बन जाएगा, क्लोरीन जुड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है, यस सर, C6H6 और Cl6, मतलब 6 के 6 हाइड्रोजन वहां पर, 6 के 6 डबल बॉन्ड टूट के क्लोरीन लगा देंगे, ठीक है, सीधा और कुछ नहीं है। हाँ भाई, तो ये रिएक्शन थी याद करने वाली, टोटल नंबर ऑफ द मोनोक्लोरीनेटेड प्रोडक्ट, सर 3 आएगा इसका आंसर, सर 3 होना है, अब देखो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, आप ये सोचो कि 3 हाइड्रोजन है तो 3 ये बन गए, 2 ये बन गए, 2 ये बन गए, 3 ये बन गए, नहीं, जो सेम हाइड्रोजन है जैसे CH3 है, ये CH3 है, दोनों सेम है, यस सर, तो ये तो एक एक ही, अगर यहाँ किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करोगे तो ऑब्वियस है एक ही प्रोडक्ट यहाँ बनेगा, एक ही है, तो ये दोनों तो एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, फिर ये देखो यहाँ से क्लोरीन उड़ाता हूँ और यहाँ से क्लोरीन रहो, एक ही बात है, यस सर, तो फिर ये टोटल 2 ही बनेंगे, 3 सर, वो दूसरे वाला ऑप्टिकली एक्टिव है, उसके 2 बनेंगे, कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव बनेगा, बीच में अगर आपने क्लोरीन लगाया ना तो एक कार्बन कायरल हो जाएगा, तो उसके 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे, फिर ये चीज, अगर ये हाइड्रोजन रह गया और इधर से CH3 है, बिल्कुल एक ऑप्टिकल एक्टिव भी बन जाएगा, बिल्कुल, तो टोटल 3 बनेंगे, राइट राइट राइट, ये वाली चीज थोड़ा क्रिस्पी थी ना, ये देखो ये बना हुआ अभी ऑप्टिकली एक्टिव, दिस वन, क्लियर है बेटा, Yes, sir. तो ये ध्यान रखना, आसान सा था वैसे, आपकी नेक्स्ट क्लास कब है मेरे को ये बता दो, 7 बजे सर, 7 बजे, ठीक है, 5 मिनट और लगाएंगे, मोलैरिटी HNO3 सैंपल की 1.0 ग्राम पर ml परसेंट दे रखी है, 14 आ रहा था इसका, मोलर वेट दे रखा है, मोलैरिटी निकालनी है यार, मोल पर लीटर, तो भाई मोल तो कहां से पता लगेंगे, 63 ग्राम दे रखा है, इसी से मोल निकाल लो, 63/100 टोटल है ना, तो पानी कितना है निकाल सकते हैं 100 में से 63, सर मोलैरिटी है ना तो पानी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अच्छा हाँ ये भी सही, सॉल्यूशन टोटल ये 100 ग्राम है ना, 100 ग्राम से 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 ग्राम का कितना बन जाएगा, ml आ गए, यस सर, नहीं एक ग्राम, 4.4 ग्राम से 1 ml है, तो 1 से सर 100/1.4 होगा, हाँ उल्टा होगा है ना,
100 डिवाइड बाय 1.4 और ये आ गया इसका ml, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, ये 1000 से डिवाइड हो गया, अब ये बन गए इसके लीटर, और ये 63 है, क्या होता 63 वो ग्राम के डिवाइड बाय 63 है ना, तो ये मोल बन गए, मोल पर लीटर आ गई मोलैरिटी, मोल पर लीटर। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर, लास्ट दैट्स इट। तो ये आ रहा है भाई 63 1.4 से ये ऊपर चला जाएगा 1000, ये आ गया 14 मोल आ गया टोटल है ना 1.4 से। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वैसे नहीं था क्या? तो ये मैंने छोड़ दी, मैं तो मतलब मोलैलिटी के लिए वो निकालता वॉल्यूम, वॉल्यूम, अरे मोलैलिटी में वॉल्यूम के लिए दे तो रखा है बेटा इसने, क्या दिया है देखो, इतने ग्राम पर ml टोटल सॉल्यूशन है, अगर मैं मानूं 63 ग्राम अगर मैं HNO3 मान लूं देखो, और 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन होगा ना, क्योंकि 63% का मतलब नीचे 100 ग्राम टोटल सॉल्यूशन, अब 100 ग्राम सॉल्यूशन में वॉल्यूम भी निकालने बैठ जाते हैं ना, तो इसलिए मुझे लगा वॉल्यूम निकाल के करना चाहिए, तब गलत आ गया। नहीं देखो क्या है, यहां देखो वॉल्यूम ही निकालना था नीचे, मुझे तो मोलैरिटी निकालनी मोल पर लीटर, तो ये 1.4 ग्राम में 1 ml होता है, 100 ग्राम में कितने ml होगा, 1.4 से डिवाइड हो गया, बन गया ml, ग्राम से ml बन गया, मुझे तो ये लीटर में 1000 से मल्टीप्लाई हो गया, बन गया लीटर, ये दोनों टर्म ऊपर चली गई, लीटर में बन गया मेरे पास सॉल्यूशन, और मुझे ये ग्राम में HNO3 पता है, ग्राम पर क्या होता है मोलर मास, मोलर मास 63 है, तो ये 1 आ गया, 1 मोल बन गया HNO3, 1 मोल डिवाइड बाय ये 1.4 और 1000 ऊपर चले जाएंगे, 2 0 2 0 कर देंगे, 1.4 और 10 ये रह गया, तो ये 0 0 करके 14 आ जाएगा बस। यस सर। ठीक है चलिए, तो अब ये क्वेश्चन देखिए, मुझे पता है टाइट्रेशन का क्वेश्चन शायद आप लोगों ने छोड़ दिया होगा ना ज्यादा। यस सर, छोड़ दिया। टाइट्रेशन कर्व O4 एफिड्रिन ईपी वीक बेस, एफिड्रिन एक वीक बेस है, ये इसने खुद बताया। ठीक है, डिसॉल्व इन 182 ml पानी के अंदर इसको डिसॉल्व किया, कैरिड आउट विद द 1 मोलैरिटी HCl के साथ में इसको टाइट्रेट किया, रिप्रोड्यूस बिलो, और ये कुछ ऐसा इन्होंने ग्राफ दे रहा है। ठीक है, तो यहां से देखो ये पीएच है, इस तरफ पीएच बढ़ रहा है और नीचे की तरफ क्या दे रखा है इन्होंने, एफिड्रिन का अमाउंट है ना, तो पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस कैलकुलेट पीएच एंड रिपोर्ट द पीएच प्लस लॉग 3 इंटीजर वैल्यू के अंदर देना था, तो सीधा सम तो नहीं है। ठीक है, तो मैं भी बोलूंगा कि इसको स्किप करके आपने बेटर किया है, पीओएच पहले निकालेंगे फिर सॉल्यूशन के अंदर, यानी ये सारा इक्विलिब्रियम से लिंक रखता है सारा क्वेश्चन। ठीक है, और ऊपर से इक्विलिब्रियम अगर आप कर भी लोगे, दूसरी चीज इसके अंदर जो टाइट्रेशन वाली बात आती है, टाइट्रेशन में कुछ टर्म्स याद रखनी पड़ती है, वो टर्म याद होंगी फिर इक्विलिब्रियम की इक्वेशनें लगेंगी, जो भी फॉर्मूला लगेंगे उसके बाद जाके होगा, तो स्किप किया अच्छा किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन लेकिन अभी कर सकते हो, अभी आप इसको थोड़ा मिड द मिड पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन, जब एच जुड़ जाएगा सारे एफिड्रिन के साथ एच जुड़ जाएगा, वो मिड पॉइंट होगा टाइट्रेशन, और पीओएच के लिए फिर फॉर्मूला इन्होंने लगाया पीओएच का, लोग ऊपर H नीचे एफिड्रिन जितना बचा हुआ है, और ये उन्होंने दे रखा था, यहां से हमने इसको थोड़ा फाइंड आउट किया, नेक्स्ट में कंजुगेट सिस्टम वाला बना के दोनों का नैनो पावर 14 होता है, तो KA की वैल्यू निकाल ली। बहुत टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन है, सीधा नहीं है। एट द इक्विवेलेंस पॉइंट मिली मोल ऑफ HCl एडेड, 18 मिली मोल उसने एडेड कर दिए इक्विवेलेंस पॉइंट के ऊपर, फिर एफिड्रिन था H पॉजिटिव है, एफिड्रिन H पॉजिटिव बनेगा, 18 मिली मोल फिर से एडिट किए थे, यहाँ पर 18 मिलीमोल एच पॉजिटिव आयन है, ये जीरो थे शुरू में, तो ये 18 मिलीमोल इसके घट जाएंगे, इसके भी 18 मिलीमोल घटेंगे, ये 18 मिलीमोल बन जाएगा एच पॉजिटिव के साथ। फर्दर इक्विवेलेंस पॉइंट, फिर इक्विवेलेंस पॉइंट पर उसकी कंसंट्रेशन निकाल ली, वो इतने मोल निकली, फिर H3O पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन वही फॉर्मूला, मतलब सीधा क्वेश्चन नहीं है, मैं सीधा बोलूंगा, ठीक है, हम इसको अभी बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, समझ आ गया तो आप लोग कर लेना, नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बोल देना, मैं दोबारा से इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, थोड़ा टाइम कम है। ठीक है बेटा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द डिफरेंस इन द हीट ऑफ फॉर्मेशन इन कैलोरीज, कार्बन मोनोऑक्साइड कांस्टेंट दे रखा, प्रेशर एट कांस्टेंट इज 25-27 डिग्री सेल्सियस, सीधा आंसर दिखा रहा हूं। ठीक है, रिएक्शन आप देखिए कौन सी रिएक्शन है, ये रिएक्शन कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड, मैंने छोड़ दिया था, यूनिट का कुछ कंफर्मेशन नहीं दिया ना इसने। ये भी कर सकते हो, चलो छोड़ दिया कोई बात नहीं, लेकिन अब देख सकते हैं डेल्टा एन की वैल्यू, डेल्टा एन की वैल्यू निकाल लो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट सब गैस में है ना, ये 1 मोल है, ये 1.5 मोल है, तो कितना आएगा 1 माइनस, ये सॉलिड सॉरी कार्बन सॉलिड है, 1 माइनस हाफ, तो हाफ आ गया, प्लस का हाफ आ गया। ठीक है, फिर डेल्टा एच क्या होता है, ई एन जी आर टी होता है, डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी, ये वाली इक्वेशन लगा रखी, डेल्टा यू प्लस एन जी आर टी, तो एच माइनस ई क्या होगा, एन जी आर टी के इक्वल हो जाएगा।
और सीधा एनजीआरटी एन की वैल्यू पता है और आर की वैल्यू 2 कैलोरी लगा रखी है और 300 कैलोरी है ये, फिर उसने ये दे नहीं दी लगा 300 कैलोरी यस सर दे नहीं रखी दिया ना इसलिए छोड़ दिया मतलब सेम कैलोरी बोला तो है लिखर का हीट ऑफ फॉर्मेशन कार्बन मोनोऑक्साइड एट कांस्टेंट प्रेशर कैलोरीज के अंदर, तो कैलोरीज में तो आर की वैल्यू, बस आर की वैल्यू डिपेंड करेगी, वो 2 कैलोरी लेनी है 300 कैलोरी आंसर आ जाएगा, दैट्स इट यस चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी अगर ऐसी मिस्टेक होती है तो उसको अब ध्यान किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन CaCO3 कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड सर टू के लिए वो ऐसे फॉर द इक्वेशन, ये इक्वेशन पूरी नहीं दे रखी क्या, CaCO3 एरो यहां बीच में लगे कर दिया था, यहां एरो लगेगा सर स्किप कर दिया था, इसमें बहुत कैलकुलेशन आ रही थी। एग्जैक्टली 10 ग्राम प्लेस्ड इन द 10 लीटर फलाना धमकड़ा, ठीक है राउंड ऑफ इंटीजर, चलो देख लेते हैं इसको, ये इक्वेशन थी, ये 100 ग्राम दे रखा है, इसके मोल बना लिए CaCO3 के, ठीक है मोल पर लीटर, अब मोल पर लीटर में क्या किया भाई, इसने सॉल्यूशन दे रखा था कुछ 0.01 मोल पर लीटर, हां कंसंट्रेशन 10 ग्राम दे रखा है क्या, एग्जैक्टली 10 ग्राम CaCO3 प्लेस टू द 10 लीटर, 10 लीटर है मोल पर लीटर, ठीक है 10 लीटर दे रखा है, 10 से डिवाइड, ये मोल को 10 से डिवाइड कर दिया तो मोल पर लीटर आ गया, समझ में आ गया यस यहां तक क्लियर है ना। अब इसकी कंसंट्रेशन हमें पता है कितनी है 0.02 मोल पर लीटर, इसकी कंसंट्रेशन 0.00 एट टाइम टी के ऊपर, उसके बाद इसने क्या किया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट CaO और CaCO3 की कंसंट्रेशन और वो k की वैल्यू, ये 1000 कैसे लगा रखा है, गिवन है k की वैल्यू 0.059 हां सर यस सर हां ठीक है k दे रखा है 0.059 ये गिवन है तो के हमें पता है, तो इन दोनों का रेशो आ गया अपने पास और इन दोनों के रेशो के अंदर CaCO3 की कंसंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं हम, 0.01 माइनस ए कर रखा है, व्हाट इज ए सर, वो जितने टूट गए उसमें से सर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ये इक्वल आएगा इसके अंदर और ये इक्वल आ गया ए, बाद में इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, फर्दर ऑन ए की वैल्यू निकाल ली, कंसंट्रेशन बिल्कुल बड़ी है भाई, सारी वैल्यूज इसकी बड़ी आ रही है तो ऑब्वियस देर लगती है जरूर देखिए। कैलकुलेट ई एन सेंट्रल एटम, ये बहुत आसान था, कर दिया था सर, कितना आंसर आ रहा है 36 आ गया था, सही है ये सबका सही होना चाहिए ना, EAN सबको कैलकुलेट, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर नंबर बेटा कैसे करते हैं, देखो क्रोमियम है, क्रोमियम यहाँ पर CO पर कोई चार्ज नहीं होता, ऊपर कोई चार्ज नहीं, तो क्रोमियम 24 एटॉमिक नंबर है, ठीक है CO कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, क्रोमियम के चारों तरफ जुड़ेगा, CO क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूशन करता है, तो एक CO से 2 इलेक्ट्रॉन, 6 CO से कितने 12 इलेक्ट्रॉन प्लस में 12 कर दो कितना आ गया 36, ये होता है इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यस क्लियर है यस सर, अजय बेटा अजय यस सर समझ में आ गया, ठीक है तो ऐसे वो होता है बेटा, कुछ भी नहीं करना, बस आपको ये याद रखना कि CO कितने कंट्रीब्यूट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का कंट्रीब्यूट करता है, एक डोनेट करता है एक शेयर कर लेता है, तो ओवरऑल दोनों मतलब शेयर्ड हो जाते हैं, तो 2 कंट्रीब्यूट कर रहा है, 24 इसके पास पहले से थे, ठीक है अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो 2 मान लो 2 पॉजिटिव है तो 22 मानेंगे इसके इलेक्ट्रॉन, फिर इसके 34 आएगा, लेकिन याद रखना कि ई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होता है वो सही कौन सा होता है, जो 18 आए 36 आए है ना, ये वाले जो इनर्ट गैसेस के एटॉमिक नंबर होते हैं वो वाले सही माने जाते हैं, ठीक है बाकी वाले तो फिर एक्सेप्शन में आ जाते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ द विजिबल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू 5th ऑर्बिट से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, 5th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जो रिटर्न करता है ग्राउंड स्टेट में, पांचवें शेल से, सर ये तो डायग्राम बना के आराम से कैलकुलेट हो जाएगा, पहली दूसरी तीसरी चौथी और ये पांचवें शेल, यहां से सीधा ये ग्राउंड स्टेट के अंदर फर्स्ट के अंदर आता है, ठीक है इसको कैलकुलेट करना नंबर ऑफ विजिबल लाइंस, सर ये वाला गलत हो गया था मैंने मतलब सर मेरा हो गया था क्योंकि मतलब हमने ट्रांजिशन की इक्वेशन जो थी ना उसको यूज करा था मैंने, तो सर मैंने टोटल लाइन बता दी, इन्होंने विजिबल पूछी है, सिर्फ विजिबल पूछी है, टोटल कैसे निकाले आपने सर, फिर विजिबल कितनी आएंगी, विजिबल कितनी आती है कैसे बता लो, 3 लाइनों पर
पांचवे से दूसरे में दूसरे तक की विजिबल होती है, चौथे से दूसरे में तीसरे से दूसरे में की विजिबल है, ठीक है? यस सर। बट लेकिन ये तो बहुत जबरदस्त घोटाला था सर, उन्होंने लास्ट में विजिबल लगा दिया। हाँ बस यही यही छोटी सी गड़बड़ करते हैं ना, तो फॉर्मूले की वाट लगा दी, बस वो फॉर्मूला नहीं यूज होगा। छोटा सा ट्विस्ट तो खैर इनको देना ही था बेटा। लास्ट क्वेश्चन सर, ये N22 कैसे था किस में सर? बट इस ट्विस्ट की वजह से सर जो दफोल आयलस को कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा सर कि वो आ रही है नहीं आ रही है, मतलब पांचों देखो बेटा N2 का मतलब क्या है, इसने क्या कहा पांचवें शेल में है, ठीक है? ये हाइड्रोजन का ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये पांचवी, ठीक है? पांचवी शेल से वो कह रहा है कि वो ग्राउंड स्टेट में आए, ठीक है? ग्राउंड स्टेट तक तो आएगा, लेकिन बाद में उसने एक ट्विस्ट डाल दिया कि विजिबल लाइन आए। विजिबल लाइन सिर्फ सेकंड वाले में होती है, यानी यहां पर जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा जो पांचवें से पहले पर आ रहा है बिल्कुल आएगा, वो हो सकता है पहले पांचवें से दूसरे पर आकर फिर पहले पर आए, हो सकता है ना? हो सकता है पांचवें से पहले चौथे पे आए, चौथे से फिर दूसरे पे आए, तो चौथे से दूसरे में भी विजिबल दिखाई देगा, पांचवें से चौथे में विजिबल नहीं दिखेगा, बट फोर्थ से जब आएगा तब दिखेगा। ऐसे फोर्थ से फिफ्थ से हो सकता है वो थर्ड में आए और थर्ड से फिर सेकंड में आए, ठीक है? तो थर्ड से सेकंड में आ सकता है, फोर्थ से सेकंड में आ सकता है और फिफ्थ से सेकंड में आ सकता है, तो तीन ऐसी लाइनें होंगी। समझ में आया अजय? यस सर। ओके सर, है ना? इस तरह से तीन लाइनें बनेंगी, इसको ध्यान से जरूर कर लेना कि तीन लाइनें वो कैसे आ रही है, दैट्स ऑल। तो अब लास्ट क्वेश्चन देखो, बी फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन एस ओ सी एल टू। फर्स्ट ऑर्डर में डिकम्पोज हो रहा है, एक्सपेरिमेंटल डाटा टाइम बता रखा है, टोटल प्रेशर बता रखा है, टाइम बता रखा है, टोटल प्रेशर बता रखा है। कैलकुलेट व्हेन द रेट ऑफ द रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन y into 10 power 4 व्हेन टोटल प्रेशर इतना होता है, NCRT का ये तो इज राउंड ऑफ, है ना? वो सिंपल वाला क्वेश्चन, प्रेशर वाला कांस्टेंट है, प्रेशर वाला क्वेश्चन, कौन सा फार्मूला लगेगा पता है? kt इक्वल 2.303 log क्या होता है, a नोट बाय p नोट बाय 2 टाइम्स नोट 2 into p नोट माइनस dt सर, प्रेशर वाला फॉर्मूला। क्लियर है सर? वैसे मैं इसे प्रेशर वाले फॉर्मूला से ना करके एक बार थोड़ा सा इक्वेशन से करना ज्यादा प्रेफर करती हूं। आपकी मर्जी है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना कर ही नहीं रहा हूं, ठीक है? आप इक्वेशन, वैसे तो इक्वेशन से ही होना चाहिए, याद रखना, क्यों यहां पर ना ये क्या बनता है और ये 1 मोल है कि 2 मोल है, इनसे बड़ा सर ये मेरी टीचर ने बताई थी कि अगर तुम ऐसे फॉर्मूले से करोगे तो शायद गलत भी हो सकता है। उसका रीजन क्या है पता है? जब हम डेरिवेशन करते हैं, ये 2p नोट कैसे आया, ठीक है, टोटल प्रेशर कैसे निकला, p की वैल्यू कैसे निकाली, वो इक्वेशन पर डिपेंड करेगा कि ये पहले p था, ये p नोट था, ये मतलब ये p नोट है, ये p बना, फिर टोटल प्रेशर निकाल लिया हमने p नोट प्लस, है ना, वो 2p, फिर उसके बाद p की वैल्यू निकालेंगे कैसे निकलेगा, वैसे करके निकलेगा टेढ़ा मेढ़ा करके। तो हर बार इक्वेशन बनाओ, बिल्कुल सही है ये बात, मैं भी प्रेफर करता हूँ। जब मैंने बताया था तो मैंने बोला था कि हर बार इक्वेशन बनानी है, लेकिन यहां मुझे सीधा दिख रहा है तो ये सीधा इसमें यूज हो सकता है, दैट्स इट, ठीक है? तो ये इक्वेशन यही वाली यूज होने वाली है, दैट्स इट, और इसके अंदर वैल्यूज भरी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ भाई, सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में इतना ही बेटा, मैं रिकॉर्डिंग अब ऑफ कर रहा हूँ। थोड़ा सा ये कह सकते